जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैराथन जावा मैराथन है, तो लगभग ये 15 वीडियो आएंगे बच्चों, जिसमें पूरी जावा कवर हो जाएगी आपकी, कोर जावा एंड एडवांस जावा। ठीक है, बेसिक से लगा के हाईएस्ट लेवल तक प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, और कुछ थ्योरी भी बाकी अपनी एडवांस जावा की, उसको भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्लास बन चुकी है, क्लास नंबर 4 है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक एक क्वेश्चन को समझते जाना। थ्योरी अपने आप कवर हो जाती है लैंग्वेज की, अगर आपको प्रोग्राम के बारे में समझ में आ जाता है तो। बच्चों देखिए, ये तो सबको पता है कि ये वॉइड कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है बच्चों, इफ है, एल्स है, एल्स इफ है, एल्स है बच्चों, क्लियर? तो सबको पता है बच्चों, इफ है ये, एल्स इफ है ये, एल्स है, यानी ये इफ एल्स वाला कंसेप्ट है। अगर ये ट्रू होगा, देखिए बुलियन ए और यहाँ पर है बुलियन बी, ठीक है। अब ये कह रहा है, इफ ए इज ट्रू एंड बी ट्रू देन द आउटपुट इज दिस, वो ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या आउटपुट आना चाहिए, क्लियर? तो यहाँ पर जो ए है, अगर वो ट्रू ले लूं मैं, क्लियर, ये ट्रू और ये भी क्या है, ट्रू है बच्चों, दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू और बी भी ट्रू, तो ट्रू है तो बच्चों यहाँ पर ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इफ और एल्स इफ का कंसेप्ट यही है कि एक में चला गया तो दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा बच्चों, ए होगा, इसका मतलब पहला तो गलत है। इफ ए इज ट्रू, अगर ए को मैं ट्रू ले लूं और बी को अगर मैं फॉल्स ले लूं, बच्चों क्लियर समझना, ए को ट्रू बी को फॉल्स, तो ये ए की जगह ट्रू आएगा और बी की जगह क्या होगा, फॉल्स। तो आप बताइए, ट्रू है तो भी आपका ए ही आएगा, तो ये भी आपका गड़बड़ है, क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज फॉल्स, ए अगर फॉल्स है, तो ए अगर फॉल्स है तो बच्चों यहां पर हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, और ये क्या हो गया बच्चों, ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स होगा तो यहां पर पहुंचा फॉल्स, फॉल्स है तो ये यहां पर जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, तो इसका मतलब फॉल्स ही होगा तो ये यहां पर जाएगा, तो बच्चों ये फॉल्स होगा तो ये यहां पर नहीं जाके यहाँ जाएगा, बच्चों क्लियर? वापस देखिए, ए को क्या लिया आपने, फॉल्स, अब ये फॉल्स हुआ तो बच्चों यहाँ गया, ये पर भी हो गया फॉल्स, अब फॉल्स हुआ तो बच्चों यहाँ पर आ गया, बच्चों क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फॉल्स और ट्रू, तो ये भी क्या है बच्चों, तो ट्रू का नोट क्या होता है, फॉल्स, तो यहाँ नहीं जाके यहाँ जाएगा, और बच्चों क्या आएगा, एल्स आएगा, बच्चों क्लियर? तो अगर ए फॉल्स है एंड बी ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो बच्चों एक बार बताइए, अगर ए फॉल्स है तो यहाँ नहीं जाएगा, अगर ए फॉल्स है तो ये खत्म, यहाँ नहीं जाएगा बच्चों, यहाँ गया फिर, बच्चों क्लियर? क्योंकि ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो यहाँ जाएगा। अब ए बी क्या है बच्चों, ट्रू है, तो ये क्या बन गया, फॉल्स बन गया, फॉल्स है तो एल्स में जाएगा और एल्स प्रिंट हो जाएगा, तो आंसर आपका सी होगा। तो किस तरीके से काम करता है, इसको बोलते क्या है, इफ या एल्स इफ एल्स, बच्चों क्लियर? इन तीनों में से कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा बच्चों, इफ के साथ एल्स, बीच वाले सारे एल्स इफ होते हैं, तो बच्चों कोई एक पार्ट में एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे में किसी में भी नहीं जाता है, तो बच्चों ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं, ये नहीं तो यहाँ जाएगा, अब यहाँ गया बच्चों, ये इफ एल्स है, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ जाएगा, ट्रू है तो यहाँ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बच्चों क्लियर? इफ एल्स का मैंने सारा कंसेप्ट बता रखा है, क्लियर है बच्चों? देखिए सारे क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन एक बार ये करवा दो तो डीबीएमएस एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा करवा रखा है ना, पूरी थ्योरी, क्योंकि एक ही चीज लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, एसक्यूएल पूरी कवर करा रखी है। आप टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक पढ़ लीजिए, एमसीक्यू से अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको थ्योरी लेनी पड़ेगी और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्लियर? थ्योरी लेनी पड़ेगी और थ्योरी चेक करनी पड़ेगी बच्चों, और कुछ नहीं हो सकता। ए फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो देख लेते हैं, ए फॉल्स और बी भी फॉल्स है तो क्या होगा, ए फॉल्स है तो बच्चों यहां पर पहुंचा फॉल्स, बच्चों क्लियर, खत्म, ये फॉल्स, ये भी खत्म, यहां पहुंचे, और बी भी फॉल्स है तो ये ट्रू बन गया, फिर ये खत्म हो जाएगा, नोट भी आंसर आएगा, तो यहां पर एल्स नहीं आएगा, यहाँ नोट भी आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लियर? संध्या क्लियर है, राहुल आपके क्लियर है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एसक्यूएल की थ्योरी पूरी करा रखी है, एक बार देख लो, फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सको, लेकिन आप अगर डायरेक्ट मैराथन में आओगे, अगर आपके थ्योरी क्लियर नहीं है तो ये क्या, कहाँ पर क्या सोल्व होंगे, क्योंकि अंबिका ने कि जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसको सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो कैच कर पा रहा है। राहुल क्लियर है क्या, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है, और आराम से पढ़ सकते हो, अभी टाइम है आपके पास। अरे कमेंट करने दो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना अपन को, क्रिटिकल टाइम है अपने को 4 दिन देने, केवल जावा को 4 दिन, मतलब सैटरडे तक आपकी जावा खत्म हो जानी चाहिए, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, यहाँ पर आइए बच्चों स्विच, क्योंकि सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, राहुल
सभी बच्चों की प्रिपरेशन लगभग लगभग 100% फुल है। मैं ये चाहता हूँ सृष्टि का प्रत्येक क्वेश्चन आपकी नजरों के नीचे से गुजर जाए। मैं आपको कल क्वेश्चन करा सकता हूँ क्योंकि अभी 20 दिन अपने पास बचे हैं। 20 दिन में मैं सृष्टि का प्रत्येक क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे जावा हो, चाहे डीबीएमएस हो, चाहे सैड हो, चाहे रीजनिंग हो, और करंट जी के सर ले ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपकी नजरों के आगे से गुजरे, क्लियर। इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि थ्योरी मैंने 3-3 बार कवर करा दी है, 3-3 बार। और कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछिए, मैं आपको पूरा कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों स्विच एक्स है, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है स्विच एक्स, एक्स के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सबको पता है, सबको पता है यहाँ बाइट आ सकता है बच्चों, क्लियर। बाइट के बाद या शॉर्ट आ सकता है, शॉर्ट के बाद या इंटीजर आ सकता है, इंटीजर के बाद या लॉन्ग आ सकता है बच्चों, क्लियर। क्या यहाँ फ्लोट आ सकता है, तो यहाँ फ्लोट नहीं आएगा स्विच के अंदर, या फ्लोट और डबल नहीं आएगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, क्लियर। और अगर मैं बात करूं तो करेक्टर, करेक्टर बच्चों बिल्कुल करेक्टर यहाँ पर चलेगा, और करेक्टर के बाद इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये आ सकता है। तो वो कह रहा है स्विच एक्स विच टू आर एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ एक्स, एक्स का एक्सेप्टेबल टाइप क्या होगा। तो स्विच मैंने पूरा पढ़ा रखा, आपको जाके एक बार स्विच के चैप्टर को देखिए, स्विच में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इफ एल्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्लियर है बच्चों। बेसिक जावा जो आपके कंसेप्ट है वो यहीं से बनते हैं बच्चों, 50% पेपर यहीं से बनता है जो अभी चल रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डिफॉल्ट, अब एक बार बताइए स्विच एक्स, तो एक्स के अंदर क्या एक्सेप्टेबल है, क्या बाइट एक्सेप्टेबल है, यस। क्या लॉन्ग एक्सेप्टेबल है, तो लॉन्ग डेटा यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, लॉन्ग डेटा भी एक्सेप्टेबल नहीं है स्विच के अंदर, लॉन्ग डेटा नहीं आता। करेक्टर एक्सेप्टेबल है, फ्लोट एक्सेप्टेबल नहीं है, शॉर्ट एक्सेप्टेबल है, लॉन्ग एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों, क्लियर। लॉन्ग ये क्या है, रेपर क्लास है बच्चों, क्लियर। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन कौन एक्सेप्टेबल है, तो बाइट एक्सेप्टेबल है, करेक्टर एक्सेप्टेबल है, शॉर्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब इनमें से आपको आंसर देना है, लेकिन अपने पास 1, 3 और 5 ऑप्शन में है ही नहीं, 1, 3 और 5 ऑप्शन में नहीं है बच्चों, क्लियर। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये आपको यूज करना है बाइट और करेक्टर बच्चों, क्लियर। बाइट और करेक्टर क्यों, क्योंकि बाइट आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, क्लियर। बाइट ऑटोमेटिक शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर अगर शॉर्ट डेटा है तो बाइट कन्वर्ट हो जाएगी, और करेक्टर भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखिए, इधर से बाइट ले लो, इधर से करेक्टर, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो इनको प्रिफरेंस देना है बच्चों, क्लियर। याद रखिए हमेशा चले एक्स के अंदर, हमेशा चले वो बाइट और करेक्टर चलेगा। बाइट और करेक्टर क्यों चलेगा, क्योंकि अंदर जो वैल्यू होगी वो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और करेक्टर में से ही तो होगी। तो ये और ये ले लोगे तो हमेशा चलेगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बाइट और करेक्टर 1 और 3 बच्चों, क्लियर। एक बार क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए, सबको पता है बच्चों अगर मैं यहाँ बाइट ले लूं, अगर स्विच है, स्विच के अंदर अगर मैं बाइट ले लूं बच्चों, क्लियर। यहाँ पर मैंने कह दिया बाइट एक्स है, बाइट एक्स है बच्चों, क्लियर, बाइट एक्स है। अब एक बार बताइए अगर बाइट एक्स है तो यहाँ पर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, करेक्टर चलेगा, बाइट एक्स है, और मैं यहाँ पर एक्स लिख दूं, यहाँ पर केस लिख दूं, और केस के अंदर बच्चों मैंने 5 लिख दिया, तो सबको पता है कि केस 5 तो यहाँ पर इंटीजर है बच्चों, सबको पता है। अब ये इंटीजर है तो बाइट ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, क्लियर, इसलिए चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अगर प्रिफरेंस बाइट इंटीजर को देता तो फिर बच्चों अंदर अगर मैं बाइट लगा देता इस डेटा के आगे तो ये गड़बड़ कर देता बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है बच्चों, जो बेस्ट आंसर है, अगर वो ये पूछे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू होगी बच्चों क्या क्या होगी, बाइट होगी, शॉर्ट होगी बच्चों, क्लियर, बाइट होगी, शॉर्ट होगी, इंटीजर होगी, करेक्टर होगी बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए सारी वैल्यूज किसकी हो सक्ती है, स्विच के अंदर हो सकती है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है कैश नंबर या एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों, क्लियर, या फिर कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैंने स्विच का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझाया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए, शॉर्ट में एस कैपिटल होता है, शॉर्ट में एस कैपिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो स्मॉल भी होता तो अपन इन्हीं को वरीयता देते बच्चों, क्लियर। तो ये शॉर्ट भी हट गया, क्यों, क्योंकि वेपर क्लास बच्चों, क्लियर, वेपर क्लास है बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर भी बच्चों देखो, शॉर्ट होता है, लॉन्ग हो, शॉर्ट है, बड़ा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी है प्रिमिटिव डेटा टाइप ही आए बच्चों, ये वेपर क्लास भी आ सकता है। तो अपन को चांस नहीं है, है ना, लॉन्ग नहीं, लेकिन ये तो चल ही सकता है बच्चों, क्लियर, ये तो चल ही सकता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट ध्यान रखना। चाहे इंटीजर ऐसा होता है ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो चल सकता है वो क्या चलता है, तो याद रखिए यहाँ पर वो क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लास बेस है, और ये आपका डेटा है प्रिमिटिव डेटा है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर शॉर्ट हो चाहे स्मॉल शॉर्ट हो बच्चों, क्लियर। तो आपको प्रिफरेंस किसको देना है, बाइट और करेक्टर को देना है, क्या ये क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, हमारे इसमें जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को अपन चेक कर लेते हैं। देखिए हर एक चैप्टर लिया जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए,
टाइम खूब है मेरे पास, आपके पास कम है, मेरे पास खूब है। यहाँ पर आ जाइए, इंटीजर एक्स है, ठीक है। अब बच्चों इंटीजर एक्स ठीक है, ये क्या है, वॉइड में वॉइड टेस्ट है, फंक्शन है। इंटीजर ओड वन है, इफ ओड, ओड की जगह यहाँ पर क्या है बच्चों, वन है। तो इफ के अंदर बच्चों जावा के केस में, सी के केस में तो ये ठीक है, लेकिन जावा के केस में यहाँ केवल ट्रू एंड फॉल्स ही होना चाहिए। अगर ट्रू फॉल्स नहीं है तो बच्चों क्या आ जाएगी, एरर, कंपाइलेशन फेल हो जाएगा बच्चों, क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, या तो बुलियन होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर होना चाहिए, या फिर बच्चों कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करे। तो यहाँ तो बच्चों ओड वन है, तो ये तो खत्म हो गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सी में तो इसका आंसर होता है लेकिन जावा में इसका आंसर नहीं होता बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, पब्लिक क्लास वाई बच्चों, पब्लिक वर्ड लूप ठीक है, ये लूप। अब देखो बच्चों एक क्लास है, क्लास का नाम वाइल है बच्चों, क्लियर। कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर है तो ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर है तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कोई मेथड है, मेथड का नाम लूप है। एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ जीरो है। वाइल के अंदर वन डाल रखा है, सी में तो चल जाएगा लेकिन जावा में नहीं चलेगा। जावा केवल ट्रू एंड फॉल्स को समझती है, जावा में वन का मतलब ट्रू नहीं होता बच्चों, क्लियर। तो देर इज ए सिंटेक्स एरर ऑन लाइन वन, देर आर सिंटेक्स एरर ऑन लाइन वन एंड सिक्स, देर आर सिंटेक्स एरर ऑन लाइन वन सिक्स एंड एट, देर इज ए सिंटेक्स एरर ऑन लाइन सिक्स। तो बच्चों ये कौन सी लाइन है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, फोर है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है बच्चों, क्लियर। देर इज ए सिंटेक्स, ये तो खत्म हो गया बच्चों, वन और सिक्स दे रखा है। अब वन और सिक्स अगर देखे अपन, वन वन लाइन में क्या गड़बड़ है, पब्लिक क्लास वाई बच्चों, क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देर इज ए सिंटेक्स एरर ऑन लाइन सिक्स बच्चों, क्लियर। यहाँ क्यों नहीं है गड़बड़, क्योंकि डब्ल्यू बड़ा है बच्चों, क्लियर। अगर डब्ल्यू छोटा होता, ये वाइल होता, तो ये गड़बड़ हो जाती क्योंकि की वर्ड होता बच्चों, क्लियर। क्या यहाँ कोई की वर्ड है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, क्या है, क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन एक मैसेज दे रहा है, समझो 50% क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं बच्चों, क्लियर। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए यार, आइडेंटिफायर का नाम क्या हो सकता है, तो कीवर्ड तो नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरर इन सिक्स लाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से कुछ मैसेज आएगा आपके पास। बोलो आई कितना है बच्चों, वन है, और जे कितना है, माइनस वन है बच्चों, क्लियर, स्विच वन। अब स्विच वन है तो बच्चों आई या इंटीजर चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर वैल्यू यहाँ चल सकती है क्या, यहाँ वेरिएबल चल सकता है, बिल्कुल वेरिएबल चल सकता है। क्या अंदर वेरिएबल चल सकता है, नहीं, कॉन्स्टेंट वैल्यू चलती है, वेरिएबल नहीं चलेगा बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए यहाँ पर केस ठीक है, इस कोलन के इधर कोई वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बच्चों, क्लियर। कोलन के इधर बच्चों, क्लियर, ये चीज के इधर वेरिएबल नहीं होना चाहिए बच्चों। डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपना का में केस है, केस आगे लिखना नहीं है, डिफॉल्ट के आगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या डाला मैंने, वन डाला, वन डाला तो जीरो वन बच्चों, क्लियर। तो ये यही एंटर हो गया क्योंकि कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, तो कॉमा ऑपरेटर बच्चों याद रखना, ये जीरो, ये वन बच्चों, क्लियर। तो ये वन बिल्कुल मैच कर जाता है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ से रिटर्न क्या है, वन वन वन, बिल्कुल मैच कर गया, यहाँ घुस गया। तो जे के अंदर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वन आ गई। अब बच्चों इसको रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा बच्चों, क्लियर, टू। फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर जब बाहर आया, स्विच से बाहर आया, तो यहाँ जे प्रिंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्लियर। तो आप बताइए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो कंपाइलेशन फेल तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपाइलेशन फेल कब होगा, इसलिए जब होगा, जब यह वेरिएबल यूज कर लू तब होगा, या ऑपरेटर तो यूज कर ही सकते हो, कर सकते हो, जैसे जीरो प्लस टू यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि केस जीरो प्लस टू टू होता है, वैसे ही जीरो कोमा वन बच्चों, क्लियर, तो ये केस वन होता है। तो बच्चों क्लियर, यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी, याद रखिए स्विच आया इफ एल्स को हटा के बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, जे क्या हो जाएगा, जीरो, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के गलत है, बहुत सारे बच्चों के सही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को इंक्रीमेंट कीजिए बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, कमेंट करो फटाफट स्पीड से, अगर सीखना है तो 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के करा रहा हूँ, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कल इफ एल्स को लिया, कल थ्रेड को लिया बच्चों, क्लियर। कल मैंने आपके ऑपरेटर से रिलेटेड कंसेप्ट को लिया, ठीक है। आज मैं आपका स्विच से, केस से, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर शाम को अपन उपसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद अपन थ्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि हाँ गुरु जी अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आई कितना है बच्चों, आई कितना है, वन है, और जे कितना है बच्चों, टेन है। हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये डू है बिल्कुल यहाँ से अंत तक। अब बच्चों कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है बच्चों, क्लियर।
वन इज ग्रेटर देन टेन, ये कंडीशन फॉल्स है। अब ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां पर आइए, फॉल्स है तो बच्चों इफ के अंदर तो जाएगा नहीं, यहां जाएगा डायरेक्ट। जे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, नाइन, नाइन होगा। अब बच्चों एक बार बताइए, ये डू वाइल लूप है, डू वाइल क्या होता है, एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर अगर ट्रू होता है वाइल के अंदर, फिर वापस बॉडी पे चला जाता है। तो प्लस प्लस आई पहले बढ़ जाएगा, टू होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, टू इज लेस देन फाइव, बिल्कुल है तो वापस यहाँ पे चला जाएगा। बच्चों अंदर आया तो टू इज ग्रेटर देन नाइन है क्या, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ आया। जे माइनस माइनस कितना, एट हो गया, एट हो गया तो यहाँ पर आ जाइए, ये कितना हो गया, थ्री हो गया। बच्चों क्लियर, थ्री इज लेस देन फाइव है क्या, बिल्कुल है, तो थ्री इज लेस देन फाइव ऊपर चला गया। बच्चों थ्री इज ग्रेटर देन एट है क्या, थ्री इज ग्रेटर देन एट है क्या, बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स है तो यहाँ पर आ गया। बच्चों ये कितना हो गया, सेवन हो गया, सेवन हो गया, यहाँ पर आइए, प्लस प्लस आई कैसे काम कर रहा है समझना, प्लस प्लस आई ये फोर हो गया। बच्चों क्लियर, फोर इज लेस देन फाइव है क्या, बिल्कुल है तो वापस यहाँ पर चला गया। बच्चों क्लियर, यहाँ पर आइए, आई आई कितना है बच्चों, फोर है, फोर इज लेस ग्रेटर देन सेवन है क्या, फॉल्स हो गया। यहाँ पर आ जाइए, ये कितना, सिक्स हो गया। बच्चों यहाँ पर आइए, ये कितना, फाइव हो गया। बच्चों क्लियर, फाइव इज लेस देन फाइव है क्या, तो फाइव इज लेस देन फाइव, नो, नो है तो यहाँ पर आ गया। बच्चों क्लियर, तो आप बताइए आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू आपकी होगी फाइव, और बच्चों जे की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होगी, सिक्स। बच्चों क्लियर, आंसर हो जाएगा फाइव एंड सिक्स, डी आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर, हाँ जी, कमेंट करते रहो, स्पीड से कमेंट करते रहो कि हाँ सर लूपिंग समझ में आ गई, इसको क्या कहते हैं, डू वाइल लूप, इसकी थ्योरी क्या है। तो डू वाइल लूप की थ्योरी इतनी सी है कि याद रखिए, बिना कंडीशन चेक हुए ही एक बार स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ये क्या है, ये एग्जिस्ट चेक स्टेटमेंट होता है, यहाँ कंडीशन का होना जरूरी है, बिना कंडीशन के कुछ नहीं होगा। बच्चों क्लियर, पीछे सेमीकोलन का लगना जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट चेक। बच्चों क्लियर, तो ये एग्जिट चेक है। बच्चों ये एग्जिट चेक है, आपका क्या है, लूप है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर फाइव एंड सिक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत कुछ में इसे देखे जाता है, देख लीजिए। बच्चों यहाँ पर आइए, फाइनल स्टैटिक शॉर्ट एक्स है, तो एक्स कितना है बच्चों, टू है, और ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब ये फाइनल है, फाइनल मतलब बच्चों याद रखिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बच्चों क्लियर, अच्छा याद रखना केस के अंदर बच्चों वेरिएबल यूज नहीं होते, लेकिन एक्स तो फाइनल है, तो फाइनल यूज हो सकता है, फाइनल वेरिएबल यूज हो सकता है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, अगर उसकी वैल्यू को चेंज करोगे तो गड़बड़ कर देगा। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट याद रखना, स्विच के अंदर यहाँ तो वेरिएबल आ सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो वेरिएबल आ सकते हैं, लेकिन केस के साथ कभी भी वेरिएबल नहीं आते, लेकिन हाँ एक छूट है, फाइनल वेरिएबल आ सकते हैं, और सी के अंदर कॉन्स्टेंट वेरिएबल आ सकते हैं। बच्चों क्लियर, अब चलिए यहाँ पर फाइनल स्टैटिक शॉर्ट, तो बच्चों स्टैटिक का तो इतना सा मतलब है कि क्लास से रिलेटेड है। बच्चों क्लियर, यानी पूरी क्लास के लिए ये चलेगा, बच्चों पूरी क्लास में चलेगा, बस स्टैटिक का ये मतलब है। बच्चों स्टैटिक का तो यही मतलब है, पूरी क्लास में चलेगा। अच्छा स्टैटिक का तो यही मतलब है बच्चों, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मेथड के केस में क्या बोलोगे कि स्टैटिक का मतलब है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों नाम से भी कॉल हो जाता है। बच्चों क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फाइनल का मतलब यह है कि आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पब्लिक का मतलब यह है कहीं से भी इसको कॉल किया जा सकता है। बच्चों क्लियर, पब्लिक का मतलब है कहीं से भी इस मेथड को भी कॉल किया जा सकता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। बच्चों यहाँ पर एक्स टू है, फिर वाई कितना है बच्चों, जीरो है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, जेड, जेड कितना है बच्चों, जीरो है। कंडीशन आपके ट्रू है, ये पहला काम, ये दूसरा काम, ये तीसरा काम। बच्चों फोर में एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर फोर आप ऐसे भी लिख देते हो तो भी चलता है। बच्चों क्लियर, याद रखिए ये फोर वैलिड है, ये पॉइंट याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वाइल के अंदर कंडीशन खाली नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, कंडीशन का होना जरूरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर वाइल की बात करूं, वाइल के बाद अगर मैं बात करूं किसकी, डू वाइल की बात करूं, तो डू वाइल की बात करूं तो उसको अंदर भी कंडीशन को खाली नहीं छोड़ सकते। बच्चों क्लियर, अगर फोर इच लूप की बात करूं तो इंटीजर आई और मान लीजिए ए है, तो ये फोर इच कैसे काम करता है, तो इसमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है ए वेरिएबल या ए अरे, ये किसके ऊपर लगता है बच्चों, एरे के ऊपर लगता है। बच्चों क्लियर, एरे का नाम क्या है, ए, और ये आई, आई को जब अपन प्रिंट कराएंगे एसओपी आई, तो एरे का जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाएगा, स्टार्टिंग से लगा के लास्ट तक की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा ये। बच्चों क्लियर, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों इंटीजर जेड जीरो है, जेड इज लेस देन थ्री है क्या, तो बिल्कुल जीरो, जीरो इज लेस देन थ्री है, बिल्कुल अंदर आ जाइए। बच्चों जेड कितना है यहाँ पर, जीरो है, जीरो है तो एक बार बताइए जीरो, एक्स कितना है, तो एक्स तो टू है बच्चों, तो ये तो आपका टू है, ये आपका वन है, और ये आपका जीरो है, तो यहाँ पर जाएगा और प्रिंट क्या होगा बच्चों, टू। बच्चों क्लियर, अब स्विच से बाहर निकलेगा, लेकिन लूप से बाहर थोड़ी निकलेगा, फिर लूप पे जाएगा बच्चों, जेड प्लस प्लस होगा, जेड प्लस प्लस होगा तो वन होगा, वन होगा तो यहाँ वन होगा। अब बच्चों वन होगा, जेड तो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, यहाँ तो यूज कर सकते हो, यहाँ जेड यूज नहीं कर सकते। जेड कैसा है,
बच्चों क्लियर। तो जेड आपका इंटीजर है, लोकल वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब वन है तो बच्चों वन है तो ये यहाँ पर जाएगा बच्चों क्लियर। अब ये वन है तो बच्चों यहाँ पर वन और फिर क्या प्रिंट होगा टू, तो फिर वन और टू प्रिंट हो गया बच्चों क्लियर। बाहर फिर यहाँ गया तो जेड प्लस प्लस कितना हो गया बच्चों टू हो गया, टू इज लेस देन थ्री बिल्कुल है बच्चों क्लियर। यहाँ पर टू में जाएगा जीरो वन टू प्रिंट हो जाएगा बच्चों क्लियर। लेकिन इससे बाहर नहीं गया, अब जेड प्लस प्लस थ्री हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, यहाँ से बाहर आ गया। फिर बच्चों ये यहाँ से बाहर और क्लास से बाहर बच्चों क्लियर। 2 1 2 0 1 2 ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि गुरु जी आप तो कह रहे थे वेरिएबल यूज नहीं होता, फिर कैसे हो गया? ये फाइनल वेरिएबल है, डायरेक्ट इक्वेशन बनता है कि आप बताइए स्विच केस के अंदर फाइनल वेरिएबल केस की जगह यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन वेरिएबल यूज नहीं होगा क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। पब्लिक क्लास स्विच टेस्ट ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है, ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये रहा आपको बच्चों मेन के अंदर जाना होता है, ये लीजिए मेन बच्चों क्लियर। यहाँ से आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। अब प्रोग्राम को स्टार्ट किया बच्चों, आपने क्या किया इसको कॉल कर लिया, किसको? इस मेथड को बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो एक्स, एक्स कितना आया बच्चों 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है यहाँ का ठीक है। यहाँ पर जे कितना है तो जे यहाँ पर 1 है बच्चों, स्विच एक्स यहाँ पर एक्स चल जाएगा कितना है बच्चों 4 है। अब बच्चों 4 है तो ये यहाँ पर जाके टारगेट करेगा बच्चों क्लियर। अगर मान लो नहीं मिलता तो डिफॉल्ट में जाता, मिलेगा तो वहां जाएगा। जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस 2 होगा कोई दिक्कत नहीं, जे प्लस प्लस यहाँ पर 3 होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर जे प्लस प्लस यहाँ 4 होगा कोई दिक्कत नहीं बच्चों क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, अब रिटर्न जे प्लस एक्स, जे कितना है तो जे यहाँ पर 4 है और एक्स कितना है यहाँ 4 है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स काम करेगा और जे कहाँ काम करेगा, तो जे बच्चों जे इसके अंदर ही काम करेगा ठीक है। लेकिन यहाँ से जे प्लस एक्स तो अंदर ही तो लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल लिख रहे हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, क्योंकि जे यहाँ से अंत तक है, एक्स भी यहाँ से अंत तक है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 रिटर्न हो गया बच्चों क्लियर। अब 8 रिटर्न हुआ तो इसकी जगह रिटर्न हुआ बच्चों क्लियर, ये टाइप हो गया और यहाँ पर 8 रिटर्न हो गया और प्रिंट करवा दिया बच्चों क्लियर। तो वैल्यू 8 आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपके कंसेप्ट को बढ़ाइए आप क्लियर। अगर कंसेप्ट बढ़ा लिए तो बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि ये अभी प्रोग्रामर में ही काम आएंगे, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है बच्चों। यहाँ पर आइए क्लास, ये क्लास आपकी है ठीक है, बुलियन है बच्चों B1 और B2, B1 B2 प्रिमिटिव डेटा टाइप है बच्चों क्लियर। B1 का मतलब आप सबको पता है, B1 B2 अगर नहीं दे रखा ये स्टैटिक है बच्चों क्लियर, स्टैटिक है। तो बस अगर नहीं दे रखा तो बच्चों सबको पता है ये फॉल्स वैल्यू होगी, क्योंकि क्लास वेरिएबल है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कितना है तो एक्स बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका, तो एक्स आपका क्या है यहाँ पर 0 है ठीक है। अब नोट बी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर बच्चों अगर कुछ नहीं दे रखा तो फॉल्स वैल्यू होती है बच्चों क्लियर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फॉल्स होती है बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर बताइए ट्री हो गया, ट्री हो गया तो अंदर चला गया, अब अंदर चला गया बच्चों ये इफ के अंदर यहाँ से अंत तक चला गया। अब बच्चों यहाँ पर आइए नोट बी, तो ये भी ट्री हो गया, ट्री हो गया तो बच्चों ये यहाँ से अंत तक चला गया। अब बच्चों एक बार बताइए अभी तक वही है, इस बी के अंदर भी क्या है फॉल्स ही है बच्चों, ये कह रहा है नोट बी तो यहाँ से क्या बना ट्रू, ट्रू है तो अंदर जाएगा। अब B1 के अंदर ट्रू आ गया, B1 के अंदर फॉल्स को हटा के यहाँ पर क्या आ गया ट्रू। बच्चों ये सिंगल वेरिएबल है, ध्यान रखिए ग्रुप ऑफ नहीं है, ग्रुप ऑफ होता तो अपन लोकेशन वाइज डालते हैं और ग्रुप प्रिमिटिव डेटा टाइप पर डायरेक्टली काम करो। तो एक बार बताइए B1 ट्रू है ठीक है, एक्स प्लस प्लस है कितना हो गया 1 हो गया। अब कंडीशन ये क्या हो गई फॉल्स हो गई बच्चों क्लियर, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, यहाँ नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए नोट बी, ये भी क्या हो गई फॉल्स हो गई, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बच्चों यहाँ नहीं जाएगा बच्चों क्लियर, क्यों? क्योंकि ट्रू था B1 में तो ये फॉल्स हो गई। अब यहाँ चेक होगा B2 ट्रू है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये यहाँ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू होता है तो x प्लस 1000 मतलब 1001 हो गया बच्चों क्लियर, 1001 ये समझ में आ गया होगा, ये 1001 होगा, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर आ जाइए B1 कितना था ट्रू, ट्रू का मतलब क्या हो गया फॉल्स, यहाँ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आइए आप क्या है B2 के अंदर ट्रू आ जाएगा, B2 के अंदर ट्रू, क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है, B2 के अंदर क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब B2 के अंदर ट्रू आया बच्चों तो अब चेक क्या होगा, B2 होगा बच्चों क्लियर, एलसी B2 क्या है ट्रू है, क्यों? क्योंकि इसमें दो काम हो रहा है, एक तो चेक हो रहा है और एक B2 के अंदर ट्रू, तो पहले तो ट्रू आ रहा है फिर चेक कौन हो रहा है, तो ये तो B2 के ऊपर ही लग रहा है बच्चों क्लियर। तो आप बताइए ये क्या हो गया, यहाँ से ट्री हो गया तो ये कट गया बच्चों क्लियर। अब बच्चों ये कट गया, इफ हो गया, एलसीफ हो गया, एलसीफ हो गया, ये ट्री हो गया तो 1 प्लस 100 101 बच्चों क्लियर, तो ये आपका 101 यहाँ पर आ गया, यहाँ जाएगा नहीं,
बच्चों क्लियर, यहाँ पर आ जाइए डायरेक्ट, अब यहाँ पर आ जाइए आप, क्यों? क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब बच्चों एक बार बताइए, इफ है, एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स, इसने लिखा नहीं है एल्स, लेकिन ये लास्ट वाला एल्स ही होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बी वन बी टू चेक कर लीजिए, ट्रू और ट्रू ऐसे जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? उसका रीजन है, उसका रीजन है ये, यहाँ पर कोडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, ये एल्स नहीं, फिर एल्स नहीं लिखा इसने, ये इफ हो गया, इफ हो गया, इफ का एल्स हो गया, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बना 101, 101 बन गया आपका, कितना बन गया? 101। यहाँ पर या तो एक एल्स लिखना पड़ेगा अपन को, क्लियर, ताकि ये पूरा सही सही बन जाए, आपको भी पता है कि ये किस तरीके से चल रहा है। तो बच्चों ये इफ अलग है, ये इफ के साथ एल्स है, ये एल्स इफ है, एल्स इफ ऐसे ही जोड़े में चलता है, मान लो ये इफ है, इफ है, समझना बच्चों कैसे चलता है, ये इफ है। अब बच्चों ये इफ के बाद यहाँ एल्स इफ लगा दिया, एल्स इफ लगा दिया बच्चों, क्लियर। तो फिर बच्चों ये जोड़े में ही चलेगा, एल्स इफ चलेगा, एल्स इफ, लेकिन बच्चों जब ये खत्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल्स होना चाहिए था, क्लियर। तो ये एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी नीचे, लेकिन ये पता है आपको 101 आ गया। अब ये 101 बच्चों इससे बाहर यहाँ पर आ जाइए, कितना प्रिंट हो गया, 101, क्लियर। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, क्लियर। ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ी सी कोड की गड़बड़ है, इफ हम सही है, इफ सही है, एल्स इफ सही है, एल्स इफ सही है। तो बच्चों ध्यान रखिए, एल्स दो आ गया, इफ तीन आ गया, एक एल्स और आना चाहिए था बच्चों, क्लियर, ताकि एक जैसे ही सही होगा वो एल्स, या तो आप लिख लो यहाँ पर कि एल्स आप ऐसे ही कर दो बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये जैसे ही एक एल्स इफ में जाएगा, सारे एल्स खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, किसी एक में जाना होता है बच्चों, क्लियर। तो अगर मान लो इसमें चले गए तो इनको आंख बंद करके आप खत्म कर सकते हो बच्चों, क्लियर, या तो आप इफ एल्स से बनाइए बच्चों, क्लियर। तो इफ एल्स का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर बच्चों ये फॉल्स हो जाती है, या आप अगर इफ एल्स से बनाते हो तो लास्ट में एल्स होना जरूरी है। क्या ये क्लियर है सबके? क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? क्लियर है? ध्यान रखिए क्या होता है क्या नहीं होता, डायरेक्ट पूछ लेता है इफ एल्स के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या एल्स लिखना भूल गया हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर आ जाएगा 101, ठीक है। यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट स्पीड से बच्चों, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है बच्चों, एक्स कितना है यहाँ पर, 2 है और फाइनल है, और फाइनल है तो बच्चों यहाँ पर एक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वाई क्या है, वाई आपका बच्चों स्टेटिक ही है, तो क्या वाई वेरिएबल यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्या आ जाएगी? कंपाइलेशन फेल बच्चों, क्लियर। अब कौन सी लाइन है, 11 है या 12, ये चेक करना है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर की लाइन में कंपाइलेशन फेल है बच्चों, क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ नहीं है फेल बच्चों, लाइन नंबर 11 में कंपाइलेशन फेल है, यहाँ लिखा है तो अच्छी बात है ना, तो काउंट कर लेना, और नहीं तो पेपर में आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरीके से, स्पीड रखना बच्चों, स्टैटिक बुलियन भी है, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन किसका आया, तो ये इफ एल्स का क्वेश्चन आया, देखिए जो मैं कहना चाह रहा था वो ये आ गया, देखो इफ है बच्चों, क्लियर, इफ है तो ये इफ तो अलग है, ये इफ है, इफ एल्स से शामिल यहाँ से है, तो इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया, देखिए आप, तो ये तीनों में 1 2 3 ये जोड़े में बच्चों, क्लियर, हस्बैंड वाइफ बच्चा बच्चों, क्लियर, इस तरीके से ये इफ थोड़ा सा अलग है बच्चों, क्लियर, ये इफ अलग है, ये इफ है, इफ के साथ ये एल्स इफ है, फिर ये एल्स है। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो बच्चों बुलियन बी, बी बी के अंदर क्या आ गया, फॉल्स आ गया बच्चों, क्लियर। तो बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। शॉर्ट हैंड एंड कितना है बच्चों, 42 है बच्चों, क्लियर, तो ये वैल्यू आपकी 42 आ गई। अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन बच्चों ये 42 50 से कम है क्या, बिल्कुल है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आपके ट्रू हो गई, ठीक है। अब ट्रू एंड ये भी चेक करना है, तो नोट भी, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया बच्चों, क्लियर। तो हैंड प्लस प्लस इसके अंदर जाएगा, एक लाइन इसकी है बच्चों, क्लियर, हैंड प्लस प्लस कितना हो गया, 43 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, और इस इफ की बॉडी खाली है, देखो आप बच्चों जब भी कभी इफ के बाहर ऐसा लगा होता है इसका मतलब ये होता है बच्चों, क्लियर, इसकी बॉडी खाली है। अब बच्चों एक बार बताइए यहाँ चेक होगा, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो वो यहाँ जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो बच्चों इस सेल्स के अंदर कोई एक स्टेटमेंट इसका होता है बच्चों, क्लियर, तो एल्स के अंदर नहीं जाएगा। अब बच्चों 43 प्लस 7 कितना हो गया, 50, 50 तो यहाँ 50 आ गया, तो हैंड प्लस प्लस कितना हो गया बच्चों, 51 हो गया बच्चों, क्लियर। अब ये डायरेक्ट यहाँ पर आके गिरेगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 51, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार कमेंट कर दो सब, 51 51 51, वेरी गुड, सबके क्लियर है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप,
क्या कहना चाह रहा है, इंटीजर आई वन है बच्चों, क्लियर? तो आई के अंदर क्या आ गया बच्चों, वन हो गया, ये पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन कहाँ से आया, डू वाइल लूप से आया। तो बच्चों ये डू है और ये क्या है बच्चों, वाइल है बच्चों, क्लियर? ये फॉर्मेट इसका होता है, क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है कंडीशन, कोई कहते गुरु जी इसकी तो बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो डू वाइल बच्चों, क्लियर? जब इसकी बॉडी नहीं है तो बच्चों क्या मतलब है बॉडी बनाने का, तो डू वाइल आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर? याद रखिए, तो डू के अंदर अगर कोई बॉडी नहीं है तो ठीक है बच्चों, यहीं पर ये खत्म हो रहा है और इस तरीके से चलेगा नेक्स्ट। अब बच्चों यह क्वेश्चन है आई कितना वन है, डू वाइल बच्चों कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है बच्चों, क्लियर? अब फॉल्स है तो डू पे नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस आई कितना हो जाएगा वन बच्चों, क्लियर? अब एक बार बताइए फिर, ये वाइल लूप है, ये तो डू वाइल था लेकिन ये क्या है वाइल है, ये अलग लूप है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है बच्चों, क्लियर? फॉल्स है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, आई इज वन बच्चों, क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वापस देख लीजिए किस तरीके से पूरा चल रहा है, क्लियर? ये वाइल है बच्चों, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो एक स्टेटमेंट इसका है, तो आप बताइए कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई। ये बच्चों यहीं पर क्लोज हो गया, डू वाइल यहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है, डू वाइल यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया, आई इज वन, वन आ गया, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो बाहर आ गया बच्चों, क्लियर? क्लियर है, एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है? कैसे, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स थी और ये भी कंडीशन फॉल्स है बच्चों, क्लियर? अब ये कंडीशन फॉल्स है तो बच्चों एक बार बताइए, इसका पार्ट तो डू है, तो डू में नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसका नीचे का पार्ट ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसने सेमी कोलन लगाया नहीं पीछे, जबकि यहाँ सेमी कोलन लगना चाहिए था बच्चों, क्लियर? डू वाइल बच्चों, क्लियर? तो डू वाइल में यह कंडीशन होती है और यहाँ पीछे सेमी कोलन होता है, सेमी कोलन लगना जरूरी होता है बच्चों, क्लियर? नहीं तो एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी ये होती है डू, अब डू अगर इसकी बॉडी है बच्चों, क्लियर? तो इस बॉडी को बच्चों यहाँ पर अपन को सेमी कोलन लगना जरूरी होता है, क्लियर? नहीं तो ये डू वाइल काउंट ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सेमी कोलन लगना जरूरी है। अभी छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन आपके समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एसओपी नीचे, फिर तो सर एरर हुई, एरर है तो एरर तो क्या, हाँ होगी इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, कंपाइलेशन एरर, नो आउटपुट प्रोड्यूस, आई इज वन दो तो बार तो आई नहीं सकता, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, यही आपका आउटपुट आएगा, जैसा आपको चाहिए वैसा आउटपुट आ जाएगा, ये हटा दोगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर? और ठीक है, कंपाइलेशन एरर और ये दोनों में से एक आंसर बनेगा, आप यहाँ सेमीकोलन लगा लो फिर सही हो जाएगा क्वेश्चन, आई इज वन, क्लियर? ये समझ में आ गया बच्चों? सर सर डू वाइल एक साथ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर डू की बॉडी नहीं है तो डू को वाइल के साथ लिख दो बच्चों, क्लियर? जैसे इफ एल्स एक साथ लिख सकते हैं, इफ की अगर बॉडी नहीं है बच्चों, क्लियर? एल्स की अगर बॉडी नहीं है, डायरेक्ट है तो एल्स इफ एक साथ लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर? वैसे ही अपन डू वाइल को एक साथ लिख सकते हैं, क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन को करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आई कितना है बच्चों, वन है, वाई कितना है सिक्स है, एक्स कितना वन है, वाई कितना सिक्स है, ठीक है बच्चों, वाई यहाँ पर वाई कितना सिक्स, माइनस माइनस क्या फाइव, तो यहाँ पर फाइव है, ये तो गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर तो ट्रू और फॉल्स चलता है, क्योंकि कंडीशन है तो कंपाइलेशन फेल हो जाएगा बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेग लगा हुआ है आउटर बच्चों, क्लियर? लेबल कहते हैं इसको, और बच्चों ये यहाँ से यहां तक है, ये आपका फोर लूप है, ये आपका वाइल लूप है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, अंदर गया, आई प्लस प्लस कितना हो गया वन हो गया, आई जीरो था, जीरो की जगह वन हो गया बच्चों, इनर 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 पे पहुंच गए बच्चों, जे कितना है, तो जे यहाँ का लोकल है, जे यहाँ पर जीरो आ गया, जे जीरो आ गया बच्चों। अब एक बार बताइए आई प्लस जे बराबर आई हो गया तो बिल्कुल आएगा, यहाँ पर कितना हो गया वन हो गया, आई के अंदर कितना हो गया वन हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कंडीशन ट्रू है ही, ये यहाँ पर आ गया, फिर जे प्लस प्लस जे। अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ पर एक गड़बड़ दिख रही है मेरे को, ये आई इस वाइल के अंदर है, बाहर कैसे प्रिंट हो सकता है बच्चों, क्लियर? क्योंकि आई बनाया कहाँ आपने, आई बार बनाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई बार बनाया, ठीक है कर लेते हैं बच्चों, ठीक ही लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आई कहाँ है, आई बार है, वाइल यहाँ से अंत तक है, फोर यहाँ से अंत तक है, जे अंदर है, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। जे कितना है बच्चों, जीरो है, जे इज लेस देन टेन बिल्कुल ट्रू है, आई इक्वलेंट आई प्लस जे कितना हो गया वन हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई,
फॉल्स हो गई तो इफ के अंदर नहीं जाएगा बच्चों, इफ के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? ब्रेक, ब्रेक का मतलब आफ्टर, बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, कंटिन्यू लूप के अंदर लगना चाहिए, लूप के अंदर ही है, कंटिन्यू लूप के अंदर लगना चाहिए, लूप के अंदर ही है, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई थी बच्चों, फॉल्स हो गई तो यहाँ बाहर आया, अब बाहर आया तो यहाँ आउटर हो गया बच्चों, क्लियर? ब्रेक आउटर, अब आउटर ब्रेक हुआ तो बच्चों ये यहाँ पर पहुंचा, और आई की वैल्यू बताइए कितना प्रिंट हो जाएगा, वन, क्लियर? क्या ये क्लियर है आपके? तो हर चीज को आपको देखना है कि एक तो कंटिन्यू वर्ड अपन लूप के अंदर लिखते हैं, ठीक है? अब कंटिन्यू कहाँ जाना है आपको? इनर पे जाना है, कंटिन्यू इनर, बच्चों क्लियर? तो ठीक है, यहाँ पहुंचे नहीं तो क्यों जाए? ब्रेक आउटर है तो आउटर के बाहर जाना आपको, क्लियर? तो याद रखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो, हर चीज आपको समझा रहा है, लेवल, लेवल का मतलब क्या है, लूप का मतलब क्या है, कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यू कहाँ आता है तो कंटिन्यू केवल लूप के अंदर ही आता है बच्चों, क्लियर? लेबल कहाँ लगाना है, कहीं पर भी लगा दो, लेकिन कंटिन्यू जब यूज कर रहे हो तो लूप के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं, क्लियर? ये चीजों का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस लाइन को देखिए, लाइन क्या कह रही है, आई कितना है, आई कितना है बच्चों, जीरो है, आई इज लेस देन कितना है बच्चों, आई लेस देन 4 है, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, आई इक्वलेंट आई प्लस 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गया बच्चों, क्लियर? आई कितना प्रिंट हो गया, आई प्रिंट हो गया आपका कितना, जीरो बच्चों, क्लियर? एक मिनट, आई, आई आपका जीरो है, आई इज लेस देन 4 है, बिल्कुल सही है, आई प्रिंट तो हो ही गया था क्या, जीरो, फिर वहां पर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, क्लियर? फिर यहाँ पर आई कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया, क्या प्रिंट हो गया, 2 हो गया, फिर गैप हो गया, फिर आगे गया बच्चों, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 हो गया बच्चों। अब 4 इज लेस देन 4 है क्या, फॉल्स, फॉल्स है तो बाहर आ गया, बाहर प्रिंट कराओ क्या, आई, तो आई बाहर प्रिंट हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि लूप के अंदर का आई है तो लूप के अंदर ही चलेगा, क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन फेल बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है, आई एक लोकल वेरिएबल है जो इसके अंदर बना था, यही खत्म हो गया, बाहर इसको प्रिंट करा ही नहीं सकते, कंपाइलेशन क्या आ जाएगा, फेल। क्या ये क्लियर है बच्चों? सबके समझ में आ जाना चाहिए, आई को बाहर प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि आपका आई यहाँ लूप के अंदर बना था, बाहर कैसे प्रिंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स कितना है बच्चों, 3 है, एक्स कितना है, 3 है, वाई कितना है, 1 है, ठीक है। अब बच्चों ये वाई की वैल्यू एक्स में डाली जा रही है, साइन ऑपरेटर है, बहुत सारे को इक्वल दिख जाता है, इक्वल दिख जाता है, बोलते हैं ट्रू है, नहीं फॉल्स है, नहीं बच्चों, आप बताइए, कंपाइलेशन फेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स में जाएगी तो एक्स के अंदर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक क्या होगा, चेक हो रहा है इफ एक्स बच्चों, क्लियर? एक्स तो यहाँ पर 1 है बच्चों, 1 होता ही नहीं है इफ एल्स के, इफ के अंदर, वाइल के अंदर, फॉर के अंदर, कंडीशन की जगह क्या होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए यहां तक क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, फ्लोट एफ बच्चों, क्लियर? तो ये न्यू फ्लोट बच्चों, ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट होगा 12.0 बच्चों, क्लियर? एफ ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या स्विच के अंदर या फ्लोट यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो वेरिएबल आप कौन कौन से यूज कर सकते हो यहाँ पर? तो वेरिएबल आप बच्चों आपका शॉर्ट करेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, और उधर आप बाइट यूज कर सकते हो, इंटीज शॉर्ट यूज कर सकते हो, शॉर्ट यूज कर सकते हो, और इंटीजर यूज कर सकते हो बच्चों, क्लियर? तो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर आप यूज कर सकते हो, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, कंपाइलेशन फेल, क्लियर? क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है, आई कितना है बच्चों, 0 है, आई 0 है बच्चों, कंडीशन यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया तो इसका मतलब वापस क्या हो गया बच्चों, कंपाइलेशन फेल, क्लियर? क्यों हो रहा है कंपाइलेशन फेल, क्योंकि आवाज आनी चाहिए ट्रू एंड फॉल्स की बच्चों, क्लियर? यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की आवाज आनी चाहिए बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखिए, जितने भी थ्योरी है वो सारी आपके समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आए तो मान के चलिए आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, क्लियर? याद रखना बच्चों, हर चीज की मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है, और याद रखिए प्रोग्राम जितने करोगे उतनी थ्योरी आ जाएगी, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक क्लास डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर? स्टैटिक बुलियन फू बच्चों, क्लियर? ये कोई आपका मेथड है, स्टैटिक मेथड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। सिस्टम आउट प्रिंट, ठीक है, रिटर्न ट्रू, ठीक है बच्चों, मेन से अपन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर आई बना, आई कितना बना, 0 बच्चों। यहाँ पर आइए, ये क्या है इनिशियलाइजेशन, ये क्या है कंडीशन, और ये क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसने एक मेथड को कॉल किया, ये लीजिए कॉल कर रहा हूँ, क्या डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल, उसी क्लास के अंदर कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल कर दो, ना कोई क्लास की लॉजिक है, ना कुछ और है, स्टैटिक मेथड है, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। फू बच्चों यहाँ पर क्या चला जाएगा, लोकल वेरिएबल है सी, उसके अंदर ए चला गया। अब ए चला गया तो बच्चों ये सबको पता है, पहला काम ये, दूसरा ये, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, छठा काम, सातवां काम, आठवां काम, नौवां काम, ऐसे चलता है लूप बच्चों, क्लियर? चले, अब बच्चों ये यहाँ पर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब जैसे ही ये यहाँ पर गया, यहाँ से इसको कॉल किया, बिल्कुल यहाँ गया, प्रिंट हो गया, क्या ए प्रिंट हो गया बच्चों, क्लियर? तो चलिए यहाँ पर प्रिंटिंग भी लिख रहा हूँ, ए प्रिंट हो गया, रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न हो गया। अब रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक बार बताइए, बुलियन रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो एक बार बताओ बच्चों, आपका आपने यहाँ से कॉल किया तो यहाँ पर बुलियन वैल्यू रिटर्न हुई, यानी इसकी जगह आपका क्या रिटर्न हो गया, ट्रू रिटर्न हो गया बच्चों, क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ट्रू रिटर्न करने से कोई मतलब भी नहीं है, अपन को तो ट्रू यहाँ पर चाहिए था। अब बच्चों ये जाएगा, अब ये जाएगा तो सी के अंदर क्या गया बच्चों, बी गया बच्चों, क्लियर? अब बी गया तो बच्चों प्रिंट क्या कराएगा, बी, और रिटर्न ट्रू, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, ट्रू एंड बच्चों, क्लियर? अब आई इज लेस देन टू है क्या, आई कितना है, तो आई यहाँ पर जीरो है, बिल्कुल ट्रू, ट्रू एंड ट्रू बच्चों, अंदर चला गया। अब आई प्लस प्लस कितना हो गया, वन आ गया बच्चों, क्लियर? यहाँ पर आइए फू डी, तो डी वापस यहाँ पर चला गया बच्चों, यहाँ पर डी पहुंचा, डी पहुंचाते हैं प्रिंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ट्रू, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आ गया, ट्रू, ट्रू का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, क्लियर? लिखना चाहते हैं लिख दो ट्रू, लेकिन कोई प्रिंट प्रिंट कुछ करा नहीं रहा। अब काम इसका है बच्चों, ये पहुंचा सी, अब सी पहुंचा तो बच्चों सी करेक्टर हो गया, अंदर आया तो बच्चों क्या प्रिंट हो गया, सी, ट्रू, ट्रू रिटर्न हो गया बच्चों, इसकी जगह ट्रू हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। फिर बच्चों आपका बी पहुंचा, बी पहुंचा तो ये लीजिए आपका बी पहुंचा बच्चों, क्लियर? बी पहुंचा तो बी प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बी प्रिंट होगा। अब ट्रू किया तो बच्चों ये ट्रू हो गया बच्चों, यहाँ पर भी पहुंचा ट्रू, और ये भी क्या है ट्रू, क्योंकि वन इज लेस देन टू है, ट्रू है, ट्रू है, तो आई प्लस प्लस कितना हो गया, टू हो गया, आई प्लस प्लस टू हो गया, यहाँ पर भी क्या पहुंचा, ट्रू बच्चों, क्लियर? तो याद रखिए बी के बाद ये वापस डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पहुंचेगा प्रिंट कराएगा, ट्रू दे देगा, फिर वापस सी पहुंचेगा बच्चों, क्लियर? फिर वापस बच्चों बी पहुंचेगा, ठीक है। फिर बच्चों टू इज लेस देन टू, फॉल्स हो गया, अब की बार कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई बच्चों, क्लियर? बी लास्ट प्रिंट कराने के बाद ये बाहर आ गया, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, ए बी डी सी पी डी सी बी बच्चों, क्लियर? तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दो, एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपके समझ में आया हो तो, क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कह रहा है, स्विच है जीरो थ्री और ये आई, ये तो जब है जब पेपर बहुत टफ बने, बाकी बच्चों आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा होगा कि ठीक है गुरु जी ये कंसेप्ट है। आई कितना है बच्चों, जीरो है, आई इज लेस देन कितना है बच्चों, थ्री है बच्चों, क्लियर? और आई प्लस प्लस है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आई यहाँ से अंत की काम आएगा, बाहर काम आएगा नहीं, यूज किया भी नहीं। आई बच्चों यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो आ गया तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो बाहर आ गया, स्विच से बाहर आया लेकिन फोर से बाहर थोड़ी जाया। आई प्लस प्लस कितना हो गया, वन हो गया, वन हो गया यहाँ पर, वन हो गया, वन हो गया तो बच्चों यहाँ से चला तो वन टू थ्री आ गया, तो वन टू थ्री का ही है क्या, वन टू थ्री आ गया, ठीक है। फिर बच्चों एक बार बताइए, वन टू थ्री अभी तक आ गया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, ये दो चीज तो आपकी खत्म हो गई। फिर बच्चों यहाँ पर आइए, वन आ गया, वन टू थ्री आ गया लेकिन इससे बाहर नहीं गया, फिर कितना हो गया, टू हो गया, टू आया तो बच्चों यहाँ पर आ गया टू और थ्री, क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो टू और थ्री भी आ गया बच्चों, क्लियर? फिर यहाँ पर गया तो बच्चों ये थ्री हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, डन आ गया बच्चों, क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट शाम को अपन गार्बेज कलेक्शन के क्वेश्चन भी लेंगे, जितना भी गार्बेज कलेक्शन के कंसेप्ट है उन सबको निपटाएंगे, क्लियर? तो याद रखना शाम की जो क्लास है 5 बजे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक दो क्वेश्चन आपके गार्बेज कलेक्शन से आ सकते हैं, जितना भी गार्बेज कलेक्शन है ना उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्या होता है गार्बेज कलेक्शन, क्या होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या होता है प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ये सारी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, क्लियर है? उप्स भी लेंगे, गार्बेज कलेक्शन भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आई कितना है बच्चों, आई कितना है बच्चों, वन है। जे कितना है बच्चों, यहाँ पर जीरो है। स्विच यहाँ पर कितना, वन है बच्चों। अब वन है तो एक बार बताइए ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा यहाँ से अंत तक हो जाएगा। अब बच्चों एक बार बताइए, ये टू है, ये फोर है, ये जीरो है, अपन को तो वन मिला, वन है तो डिफॉल्ट है, जे इक्वलेंट जे प्लस टू है बच्चों, क्लियर? जे के अंदर यहाँ पर कितना आ गया, टू है, कोई दिक्कत नहीं। अब जे के अंदर टू और जे के अंदर बच्चों टू प्लस टू, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर भी आना है, क्योंकि वन मिला तो टू फोर जीरो पहले चेक होगा, फिर नहीं मिला तो डिफॉल्ट में जाएगा, तो टू हो गया बच्चों, जीरो प्लस टू टू हो गया। अब टू प्लस टू, क्योंकि इसके बाद ये तो जे प्लस फोर, टू प्लस फोर कितना हो गया, सिक्स, तो जे के अंदर कितना आ गया बच्चों, सिक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर? यहाँ पर आ जाइए बच्चों, इसको प्रिंट कराना है, जे की जगह क्या आ जाएगा, सिक्स, क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। लाइव में नहीं आ रही है मेरे, तो लाइव क्लास ही तो चल रही है, आप होंगे अभी लाइव के अंदर, लाइव के अंदर होंगे ना आप, क्या हो गया इसको, थोड़ी देर बाद पूछना क्या पूछना चाहते हो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, बुलियन बूल ट्रू बच्चों, क्लियर? तो बूल वैल्यू बच्चों कॉमन सी बात है, ये ट्रू है,
कोई पूछे बूल बताओ तो ट्रू बता देना, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से इंटीग्रेट वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है बच्चों, क्लियर? अब बूल के अंदर क्या आ गया बच्चों? फॉल्स आ गया, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए? फॉल्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों सिस्टम, अब फॉल्स फॉल्स बूल के अंदर फॉल्स आ गया, चेक क्या होगा? बूल होगा, फॉल्स होगा, तो यहाँ नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ नहीं जाएगा तो एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर जाएगा, इसको चेक करो, बोलो इफ एल्स इफ बूल, बूल क्या है बच्चों? तो बूल फॉल्स है, यहाँ भी नहीं जाएगा बच्चों। अब तो यहाँ चेक करो, किसी एक में जाने के बाद दूसरे में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इफ और एल्स इफ वाला कंसेप्ट है बच्चों, क्लियर? यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या बन गया? ट्रू बन गया, क्योंकि कि यहाँ की जगह बूल तो अभी भी फॉल्स ही है, बूल तो अभी भी फॉल्स ही है, क्योंकि बूल में पहले ट्रू था फिर फॉल्स गया, चेक हुआ तो फॉल्स हुआ, चेक हुआ तो फॉल्स है, यहाँ पर बच्चों चेक हुआ तो ट्रू है, क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, बूल तो अभी भी फॉल्स ही है बच्चों, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? ट्रू ट्रू है, तो सी में चला जाएगा, इस सेल्स में नहीं जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सबके? हाँ जी, कमेंट करते रहो। ए क्यों आया भाई? ए क्यों आया बताइए? अरे टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, ए कैसे आया बताइए? सी आएगा ना बच्चों, क्या गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पब्लिक क्लास स्विच टू फाइनल स्टैटिक शॉर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा का वैसा है। अब बच्चों फाइनल एक्स है तो एक्स 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 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों वाई कितना आपका? जीरो है, जेड जीरो है, क्लियर? ये क्वेश्चन अभी जैसे किया था वैसा का वैसा है, एक बार और कर लेते हैं। एक्स के अंदर कितना आ गया? टू। वाई कितना आ गया बच्चों? जीरो बच्चों, क्लियर? जेड कितना है बच्चों? जीरो है, ठीक है। हाँ जी आंसर बताओ इसका फटाफट भाई, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, अपन को सारे टॉपिक को कवर करना है, थ्योरी विद थ्योरी। आंसर बताइए इसका। हाँ जी यहाँ पर आ जाइए, एक्स फाइनल है, वाई कितना है बच्चों? जीरो है, जेड कितना है बच्चों? जीरो है, कंडीशन ट्रू है, जेड कितना बच्चों? जीरो है, जीरो है तो यहाँ पर आइए, एक्स कितना बच्चों? टू है, ये कितना वन है, ये कितना जीरो है, यहाँ जाएगा तो टू से स्टार्ट होगा बच्चों, क्लियर? ये जेड प्लस प्लस कितना होगा? जेड प्लस प्लस बच्चों वन होगा, वन इज लेस देन फोर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? वन है, वन है तो बच्चों सबसे पहले जो टू हो गया वन है तो यहाँ पर जाएगा बच्चों, अब की बार वन आ गया बच्चों, क्लियर? अब की बार क्या आ गया? वन आ गया, वन आ गया बच्चों, क्लियर? अब की बार क्या आ गया? वन आ गया, वन आ गया तो ब्रेक ब्रेक है तो स्विच से बाहर जाएगा, क्योंकि ब्रेक स्विच में तो स्विच से बाहर जाएगा बच्चों, क्लियर? अब की बार टू प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया तो स्विच से बाहर हो गया, लेकिन ये यहाँ गया लेकिन लूप से बाहर नहीं गया। जेड प्लस प्लस कितना हो गया? टू हो गया, क्या टू इज लेस देन फोर है? बिल्कुल है, यहाँ आ गया। अब टू है तो बच्चों जीरो भी आएगा, डेप भी आएगा और वन भी आएगा, जीरो डेप और वन बच्चों, क्लियर? वन तीनों आएंगे, फिर ब्रेक लग गया तो इससे बाहर आएगा। जेड प्लस प्लस बच्चों थ्री हो गया, थ्री हो गया तो थ्री ये नहीं है, डिफॉल्ट में जाएगा आपके बाद, तो डे फोर वन आएगा बच्चों, डे फोर वन आएगा बच्चों, ब्रेक लग गया तो स्विच से बाहर। अब यहाँ पर आइए, ये फोर हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स है तो लूप से बाहर बच्चों, क्लियर? लूप से बाहर, अब ये मेन से बाहर, अब ये क्लास से बाहर, क्लियर? तो टू वन जीरो डे वन, डे वन टू वन जीरो डे वन, डे वन, क्लियर? तो डी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों? अधिकतर बच्चों के कंफ्यूजन में आ गया होगा किस तरीके से पूरा खेल चल रहा है, लूप का भी, स्विच का भी, ब्रेक का भी, कंटिन्यू का भी, ध्यान रखिए। ब्रेक क्या करता है? तो जिस चाहे लूप के अंदर लिखा है तो लूप से बाहर, स्विच के अंदर लिखा है तो स्विच से बाहर, अगर मान लो कोई लेबल लगा हुआ है तो लेबल से बाहर बच्चों, क्लियर? कंटिन्यू केवल लूप के अंदर ही लगता है, स्विच बच्चों इफ एल्स में भी लग जाता है, सॉरी ब्रेक जो है ना, ब्रेक वो लूप के अंदर और स्विच के अंदर लगता है, लेकिन कंटिन्यू केवल और केवल लूप के अंदर ही लगता है, स्विच के अंदर कंटिन्यू नहीं लगता, क्लियर? अब स्विच के अंदर ब्रेक है, लगाएंगे तो स्विच से ही बाहर लेके जाएगा, क्लियर? लेबल को अगर यूज करेंगे तो लेबल से बाहर लेके चला जाएगा, क्लियर? ये सारी चीजें मैंने बता दी है, एक बार जरूर देखिएगा इनको। यहाँ पर आइए, आई आई कितना है बच्चों? जीरो है, ठीक है, आई जीरो है बच्चों। जे कितना है? फाइव है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है? तो फोर है तो बच्चों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर ट्रू फॉल्स कुछ नहीं लिखा, कंडीशन नहीं लिखी है, तो फोर के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये इफ की बॉडी है, ये फोर की बॉडी है, और ये फोर की बॉडी आपको नहीं लिखी है, नहीं लिखी है तो कंपाइलेशन फेल हो जाएगा बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, अगर ये यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखा है तो कंपाइलेशन फेल है, क्यों फेल है ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब कोई कहे गुरु जी वो लिखना भूल गया, अब क्या करें?
तो मान लीजिए यहाँ पर अगर अपन लगा दे तो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा कंपाइलेशन। अब चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, वन है, वन है बच्चों, यहाँ वन है, अंदर आया तो ये कितना हो गया, वन हो गया बच्चों, क्लियर, वन हो गया। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, ये वन है बच्चों, ये क्या है, वन है। अब वन इज ग्रेटर देन, ये पहले आपका चार होगा, वन इज ग्रेटर फोर है क्या, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर आया। फिर ये प्रिंटिंग, तो इस तरीके का कुछ है ही नहीं बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है कंपाइलेशन एरर ही आएगी, क्योंकि लूप चलता ही रहेगा, और चलता रहेगा तो बहुत सारी वैल्यू प्रिंट कराएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसने ये स्टेटमेंट दिया है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूरा नॉलेज है क्या, क्योंकि फिर ऑप्शन मैच करेगा नहीं, इसलिए आप इसको ये करो मत बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर मिसिंग मिसिंग सिंबल कर दो, मिसिंग सिंबल, तो बच्चों क्लियर, जिस तरीके का आपका आउटपुट है वही तो आपको देना है, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आई आई है, ये लेवल है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आई इज लेस देन टू है, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है तो बच्चों इफ के अंदर जाएगा, इफ की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम प्रिंट आई, आई कितना हो गया बच्चों, वन वन जीरो हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस प्लस कितना हो गया, आई प्लस प्लस वन हो गया, ठीक है। कंटिन्यू लेबल, लेबल कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू तो किसके अंदर लगता है, लूप के अंदर, क्या यहाँ कोई लूप है, नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब कंपाइलेशन फेल है बच्चों, क्लियर। क्योंकि कंटिन्यू लगता है किसके अंदर है, लूप के अंदर। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यू हर एक जगह नहीं लग जाता, लूप के अंदर लगता है बच्चों, क्लियर। लेबल के साथ ब्रेक लग सकता है लेकिन कंटिन्यू नहीं लग सकता, कंटिन्यू केवल लूप के साथ ही लगता है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों। पास पास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, पास पी। आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे बच्चों, क्लियर। ये क्वेश्चन कैसा है तो आपको ये समझा देगा कि आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों। ये मेन है, ये आपकी क्लास है बच्चों, क्लियर। पास यहाँ से अंत तक है। अब बच्चों ये मेन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बच्चों, क्लियर। अब पी डॉट स्टार्ट बच्चों, क्लियर। एक बार बताइए, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये जो स्टार्ट है बच्चों, ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल कर दिया, यहाँ पर पहुंच गए। प्रोग्राम आपका मेन से स्टार्ट होता है, यहाँ पर पहुंच गया। अब बच्चों ये एक एरे है, एरे का केस किस तरीके से चलता है ये भी मैं समझा देता हूँ। ये तीन चार पांच है बच्चों, इसको रेफरेंस दे रहा है ए वन बच्चों, क्लियर। तो इसको ए वन जीरो, ए वन वन, ए वन बच्चों टू कहते हैं बच्चों, क्लियर। तो थ्री फोर फाइव है बच्चों, ये रेफरेंस दे रहा है और ये लॉन्ग टाइप है तो लॉन्ग टाइप वैल्यू ही है ये, ठीक है। ए टू बना बच्चों, लेकिन ए टू से पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये लॉन्ग ए वन, ठीक है, ये बना। तो बच्चों ये एरे बन रहा है, ठीक है, ये एरे बन गया और ए वन इसको रेफरेंस दे रहा है। अच्छा ए टू, अब देख लेते हैं अपन। अब सोचो, अब बच्चों यहाँ पर एक बार मेथड कॉल हो गया, ठीक है। अब मेथड कॉल हो गया, समझना, ये मेथड कॉल हुआ यहाँ पर। तो एक बार बताइए, ये ए वन का रेफरेंस जा रहा है यहाँ पर, याद रखना है, कभी भी कोई चीज अगर ग्रुप ऑफ के अंदर है तो जब वो पास होती है तो रेफरेंस की तरह होती है। तो बच्चों ए थ्री जो है ना, ए थ्री, वो ए थ्री यहाँ पर है बच्चों, क्लियर। या फिर ये बोलिए जो ए थ्री है वो ए थ्री इसी को रेफरेंस देगा बच्चों, क्लियर। हाँ ए थ्री है तो यहाँ का लोकल बच्चों, लेकिन ये रेफरेंस इसी को दे रहा है। तो ए थ्री, एक बार बताइए, ए वन, ए वन पास हो रहा है बच्चों, तो ए थ्री इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए थ्री भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वन भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ए वन पहले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए थ्री भी एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या चीज है, एरे है, एरे है। तो बच्चों याद रखना, ये वेरिएबल होते हैं बच्चों, क्लियर। ए वन ए टू ये नॉन प्रिमेटिव वेरिएबल है बच्चों, क्लियर। या ऑब्जेक्ट के केस में या नॉन प्रिमेटिव डेटा के केस में जो नाम होते हैं ना बच्चों, वो उसका रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ए वन जीरो, ए वन वन, ए वन टू, तो बच्चों वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्लियर। तो ए वन बच्चों इसी रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए थ्री भी इसी रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है ए थ्री वन के ऊपर सेवन डाल दीजिए, ए थ्री वन मतलब यहाँ पर सेवन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न ए थ्री, तो ए थ्री यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब बच्चों एक बार बताइए, ये जो वैल्यू है, ये ए टू भी जो है ना, वो भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू भी आपका इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्लियर। क्यों, क्योंकि रिटर्न ए थ्री, तो यहाँ पर कौन जा रहा है, ए थ्री जा रहा है, तो ए थ्री का रेफरेंस ही तो यहाँ जा रहा है, तो ए टू के अंदर भी यही रेफरेंस जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए वन ए टू ए थ्री तीनों इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों ए वन जीरो बोलिए, ए वन जीरो क्या है आपका, थ्री है बच्चों, क्लियर। ए वन वन कितना है, सेवन है, और ए वन टू कितना है, फाइव है, और ये जुड़ रहे हैं, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा, जुड़ रहे हैं। तो सात तीन दस पांच पंद्रह, फिर बच्चों आपका स्ट्रिंग है, तो पंद्रह के बाद यहाँ पर आ जाइए ए टू जीरो, ए टू जीरो ये रहा, तो तीन सात पांच बच्चों, क्लियर। तो ये भी कितना, पंद्रह पंद्रह, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एरे, एरे किस तरीके से पास होता है वो चीज समझ में आ गई होगी, एरे कभी पास होगा बच्चों। ये ए वन, तो ए वन का मतलब है कि ठीक है ये इसी को पॉइंट करेगा बच्चों, क्लियर। ए थ्री भी इसी को पॉइंट करेगा,
A1 A2 भी इसी को पॉइंट करेंगे, लेकिन अगर मैं एसओपी यहां कर दूंगा, एसओपी यहां पर A1 कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि A1 यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं है बच्चों, क्लियर, और A3 यहां रिकॉग्नाइज नहीं है बच्चों, क्लियर, लेकिन ये इंडिकेट इसी को कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज है बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। सिंगल वेरिएबल अलग है, जैसे A1 के अंदर अगर मैं 5 डालता हूं और ये इंटीजर टाइप है तो बच्चों ये खुद ही को रिप्रेजेंट करता है कि ये 5 है। लेकिन बच्चों याद रखना, जब ग्रुप ऑफ की बात करें, ग्रुप ऑफ में क्या आता है, जैसे एरे आती है बच्चों, जैसे स्ट्रिंग आती है, जैसे ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, क्लियर, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो ये करते हैं रेफरेंस का काम बच्चों, क्लियर, ये रेफरेंस देते रहते हैं और कितने भी इसको रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, क्लियर। अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। सर ये फिक्स क्या कर रहा है? फिक्स तो बच्चों मेथड का नाम है ना, क्या दिक्कत है? मेथड का नाम है, इसने मेथड कॉल कर दिया, कॉल कर दिया, A1 पास कर दिया, पास कर दिया, तो बच्चों ये क्या है, एरे टाइप वैल्यू है तो एरे टाइप वेरिएबल क्रिएट हो गया, फंक्शन कॉलिंग तो पढ़ी होगी आपने बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट करते हैं, पॉइंट करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो इस तरीके से पूरा चलेगा, क्या ये क्लियर है? ये फिक्स क्या कर रहा है? फिक्स कुछ नहीं कर रहा, फिक्स तो एक मेथड है, तो आपने कॉल कर लिया यहाँ से, ठीक है बच्चों, कॉल कर लिया तो इस तरीके से चल गया। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर एरे के केस में ये सब पॉइंटिंग है, ये पॉइंटिंग है, A1 इसको पॉइंट कर रहा है, A2 किसको पॉइंट करेगा, जो इधर है बच्चों, क्लियर, देखेंगे इधर कौन है, तो ये यहाँ फिक्स मेथड को कॉल कर लिया, A3 बच्चों इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है, इसमें चेंज किया तो चेंज हो गया, ठीक है बच्चों, ये एक तरीके से कॉल बाय रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। अब जावा में कॉल बाय रेफरेंस तो चलता नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन एसेज करते हैं, रिटर्न A3, ठीक है, ये पूरा क्लियर है। फिर बच्चों रिटर्न A3 है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर A3 पढ़ोगे तो A2 A3 को भी पॉइंट कर रहा है बच्चों, क्लियर, तो सब इसी को पॉइंट कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, इस तरीके से काम हो रहा है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहां से आ गया, ये फंक्शनिंग से क्वेश्चन आ गए बच्चों, क्लियर, पहले लूप से आए, फिर रिपेल से आए, फिर स्विच से आए, अब कहां से आ गए फंक्शनिंग, फंक्शनिंग से क्वेश्चन आ गए, फंक्शनिंग को समझो कि फंक्शन किस तरीके से वर्किंग करते हैं बच्चों, क्लियर। अब यहां पर आइए, ये मेन मेथड आपका, ये स्टार्ट मेथड आपका, ये फिक्स मेथड आपका, क्लियर। अब मैं प्रोग्राम आपका मेन से स्टार्ट होता है बच्चों, क्लियर, पी, ठीक है। अब बच्चों पी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी डॉट स्टार्ट, ठीक है, मैंने कॉल कर लिया। अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्टैटिक नहीं, अगर स्टैटिक होता तो डायरेक्टली स्टार्ट भी कॉल कर देता बच्चों, क्लियर, आपको ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट बोलते तो भी हो जाता, ये सारी बातें मैंने आपको समझा रखी है। प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया, यहाँ पर पहुंचा बच्चों, क्लियर, पी डॉट स्टार्ट B1। अब देखिए ये कोई ग्रुप ऑफ नहीं है, ये डायरेक्टली बुलियन B1 है बच्चों, क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है बच्चों, क्लियर, ये वैल्यू है तो वैल्यू ही पास होगी डायरेक्ट, कोई एक को रेफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ नहीं है बच्चों, क्लियर, ये फॉल्स है। अब बच्चों यहाँ फिक्स नाम का मेथड कॉल हो गया, फिक्स नाम का मेथड, ये लो कॉल, बुलियन वैल्यू जाएगी तो बुलियन को कैच करने के लिए यहाँ का लोकल B1 बना बच्चों, क्लियर, B1 बना, B1 के अंदर क्या चला गया, फॉल्स चला गया बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों ये मत कह देना कि ये इस B1 को ये B1 पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ होता है तो होता है, ये तो नॉर्मल वैल्यू है बच्चों, जैसे इंटीजर करेक्टर फ्लोट होता है वैसे ही ये फॉल्स है। अब बच्चों एक बार बताइए, फंक्शन कॉलिंग हो गई, ठीक है, अब कॉलिंग हो गई तो यहाँ के B1 में क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आई थी फॉल्स, यहाँ पर बन गई ट्रू बच्चों, क्लियर, रिटर्न B1 तो ट्रू रिटर्न हो गया बच्चों, इसकी जगह क्या आया, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। अब B2 बना, B2 के अंदर क्या बन गया, B2 के अंदर ट्रू बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब B1 प्रिंट करा दो ट्रू और B2 प्रिंट करा दो ट्रू बच्चों, क्लियर, तो ये पूरा कंसेप्ट खत्म। अब बच्चों यहाँ से ये जहां से आया था वहीं पर पहुंचा, आगे कुछ है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, ट्रू एंड ट्रू आ रहा है सबके सामने। सत्यनारायण आपने गलत आंसर क्यों दिया, समस्या बाद, एक बार और देख लो अगर समझ में नहीं आया तो, क्लियर, ये रेफरेंस तो है ही नहीं बच्चों, आप सबको पता है वैल्यू है, B1 में फॉल्स थी, ठीक है, B1 यहाँ से गई, फॉल्स, फॉल्स यहाँ कॉपी हो गई, ठीक है, B1 की वैल्यू या लोकल वेरिएबल की वैल्यू इसने बदल दी, ट्रू से ट्रू हो गया, B1 क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू रिटर्न हुआ, इसकी जगह ट्रू गया, ठीक है, B2 के अंदर वैल्यू डाल दी बच्चों, कितना, ट्रू डाल दिया, ठीक है। अब B1 एट ए टाइम क्या है, फॉल्स है बच्चों, क्लियर, ये B1 तो यहाँ पर फॉल्स है ना, ये B1 तो अलग है बच्चों, मैंने गड़बड़ की क्या, मैंने ही गड़बड़ की है, ठीक है, तो बच्चों एक बार बताओ, B1 तो यहाँ पर फॉल्स ही है और B2 के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब B1 बच्चों, ये B1 तो खत्म हो गया ना यहाँ पर, क्लियर, वापस सुन लो, B1 में फॉल्स था, ठीक है, B1 अलग है, ये B1 अलग है, ध्यान रखना, ये B1 यहाँ का लोकल है, ये B1 यहाँ का लोकल है, B1 में क्या था, फॉल्स था बच्चों, क्लियर। अच्छा B2 के अंदर क्या था, तो ये जा रहा था फिक्स B1, ये जो रिटर्न हो क्या आएगा बच्चों, B1 के अंदर ये चला गया क्या, फॉल्स चला गया, ठीक है। अब B1 के अंदर ट्रू चला गया, ठीक है, अब रिटर्न B1 हो गया तो यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है,
P2 में ट्रू आ गया, ये भी ठीक है। अब बच्चों B1 देखिए, B1 यहाँ पर क्या है, फॉल्स है बच्चों, क्लियर, क्या है फॉल्स है। और B2 यहाँ पर क्या है बच्चों, ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू आंसर आएगा बच्चों, क्लियर। तो B आपका आंसर आ जाएगा, ट्रू ट्रू नहीं आएगा विशाल, फॉल्स एंड ट्रू आएगा। इस बी को क्यों देख रहे हो, ये बी अलग है बच्चों, इसका तो काम यही खत्म हो गया, तो यही मर गया ये B1 B2, तो ये है क्योंकि ये तो रिकॉग्नाइज होगा ही नहीं, ये तो यहाँ का लोकल वेरिएबल था। बनाओ बनाओ, ये भी कह रहा है बनाओ बनाओ बच्चों, क्लियर। और याद रखिए ग्रुप ऑफ तो है नहीं, तो ये तो वैल्यू की तरह है, तो वैल्यू ही पास होती है बच्चों, क्लियर। और ग्रुप ऑफ होते हैं तो रेफरेंस पास होते हैं सबके, क्लियर। आ गया सबके सामने, में एक बार कमेंट कर दूं कि हाँ सर हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये फंक्शनिंग है, फंक्शन किस तरीके से कॉल होते हैं, क्लियर, किस तरीके से फंक्शन एक दूसरे को वैल्यू ट्रांसफर करते हैं नहीं करते, वो सारा कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आइए, ये स्ट्रिंग है। अब बच्चों यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ तो है नहीं, ग्रुप ऑफ तो वैसे होता है जैसे स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, इस तरीके का एरे वेरे बनाते हैं बच्चों, क्लियर। ये तो नॉर्मल स्टोर्ड वैल्यू है, S1 है, तो S1 के अंदर बच्चों आप सबको पता है कि स्टोर्ड वैल्यू है क्या बच्चों, स्लिप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आ जाइए, यहाँ पर स्टोर्ड वैल्यू है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, ये मेन मेथड है, ये पास है बच्चों यहाँ से अंत तक, ये मेन मेथड है, ये स्टार्ट मेथड है, ये फिक्स मेथड है बच्चों, क्लियर। अब ये स्लिप है, ठीक है, स्टोर्ड वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर S1 स्लिप चला गया बच्चों, यहाँ स्ट्रिंग S1 ये लोकल है, यहाँ पर भी क्या आ गया, स्लिप आ गया, ठीक है। अब बच्चों S1 यहाँ का लोकल क्या है, स्लिप है बच्चों, क्लियर, प्लस स्ट्रीम यहाँ पर है बच्चों, क्लियर। तो स्लिप स्ट्रीम S1 के अंदर आ गई क्योंकि स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर S1 प्रिंट कराएंगे तो स्लिप स्ट्रीम, तो स्लिप स्ट्रीम, अब बच्चों गैप तो होगा नहीं, तो स्लिप स्ट्रीम एक साथ आनी चाहिए, स्लिप स्ट्रीम, तो स्लिप स्ट्रीम बच्चों, क्लियर। ये दो चीज तो खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि S1 प्लस S2 है बच्चों, क्लियर, S1 प्लस S2 है, देखिए आप, अब S1 प्लस S2 है तो डायरेक्टली जुड़ के इसमें आ गई, और S1 के बाद गैप लग जाएगा, प्रिंट के बाद गैप लगेगा, तो गैप यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, उस स्ट्रिंग का नाम क्या, स्ट्रीम है, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रीम आ गया बच्चों, क्लियर। अब बच्चों S2 भी एक स्टोर्ड वैल्यू है और इसके अंदर भी क्या आ गया बच्चों, स्ट्रीम आ गया बच्चों, क्लियर, चलिए क्लियर। अब ये प्रिंट करवा रहा है S1, तो ये S1 ये होगा बच्चों स्लिप, जो यहाँ का S1 है, इसके लिए S1 S2 ये वाले हैं, इसके लिए S1 ये वाला है, तो स्लिप, और फिर गैप देखिए ये क्या बनेगा, स्ट्रीम बच्चों, क्लियर। तो क्या बनेगा, स्लिप स्ट्रीम, देखिए यहाँ गैप भी लग गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके सन में आ जाना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है ग्रुप ऑफ और क्या होता है स्टोर्ड वैल्यू, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, स्टोर्ड वैल्यू और ग्रुप ऑफ क्या होता है। एक तो देखिए, एक तो डायरेक्टली आपका प्रिमिटिव डेटा है उसको पास करते हो तो वो A1 B1 यहाँ पर भी बन जाता है, और अगर आप ऑब्जेक्ट पास करते हो, एरे पास करते हो, तो बच्चों वो क्या करते हैं, रेफरेंस की तरह काम करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आगे बच्चों आपके ऑपरेशन से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे। ये आपको पता है बच्चों हेक्सा डेटा है बच्चों, क्लियर, इंटीजर आपका 4 बाइट का है, ये भी क्लियर बच्चों, 32 बिट के अंदर इसको लिखना है, बिल्कुल, ये भी क्लियर। अब 32 बिट को अगर आपको लिखना है तो आप सबको पता है ये 0000 बच्चों, 0000 8 बिट, 0000 बच्चों, 0000 बच्चों, ये भी 8 बिट, क्लियर, ये हेक्सा है ना बच्चों, अभी तक यहां तक लिख दिया मैंने, क्लियर। अब और लिखिए 0000 0000, ये भी 8 बिट, 0000 बच्चों, क्लियर, और 1000 बच्चों, ये 32 बिट हो गया। ये आपका इंटीजर डेटा होता है जिसको मैंने ये रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब वो कह रहा है जब मैं इसको प्रिंट कराऊं एक्स को, तो आप बताइए वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि इंटीजर ही लेगा बच्चों, क्लियर। ये जरूर है कि ये लिटरल है, कौन सा, हेक्सा लिटरल है। अब हेक्सा लिटरल है तो बच्चों आप सबको पता है कि लास्ट से लास्ट ये वैल्यू क्या प्रिंट कर सकता है कि 31 ये 0 और सारे के सारे 1 बच्चों इधर प्रिंट कर सकता है बच्चों, क्लियर, सारे के सारे 1, तो बच्चों 2 की पावर 31 इधर 2 की पावर 31 बच्चों, क्लियर, ये नेगेटिव और ये -1, यहां तक का डेटा आपका प्रिंट कर सकता है। एक बार बताइए ये क्या है, तो ये तो 2 की पावर 32 है बच्चों, सबको पता है ये 2 की पावर 32 है ना, 2 की पावर 32 है। अब बच्चों एक बार बताइए जब मैं ऐसे करूंगा तो 2 की पावर 31 है ना, मैक्सिमम 2 की पावर 31 और -1, तो एक बार बताओ बच्चों ये वैल्यू कितनी बनेगी। तो ये वैल्यू अगर सारे 1 कर देता मैं, सारे के सारे 1 कर देता बच्चों, क्लियर, तो ये यहाँ पर पहुंच जाता, मतलब सारे के सारे अगर मैं 1 कर दूं 32 के 32 1, तो ये यहीं पर पहुंच जाता वापस। एक बार बताओ इसमें क्या होगा, तो आप सबको पता है कि लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि एक तो साइन की वैल्यू होती है, तो ये सारी की सारी 1 वैल्यूज है बच्चों, 31 1 है, तो पॉजिटिव में 2 की पावर यहां तक ही तो जाता है,
अगर एक और जोड़ते हैं तो बच्चों को नेगेटिव की तरफ आ जाता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी नेगेटिव की तरफ। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि सबको पता है 2 की पावर 31। अब एक बार बताइए कितने डेटा है, 32 है। बच्चों क्लियर? अब यहां तक तो आपको पता चल गया इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर की ये वाली रेंज है। क्यों? क्योंकि इंटीजर की रेंज क्या होती है, तो इंटीजर की रेंज होती है बच्चों याद रखना 0 ये 21, 47, 48, बच्चों 36 और 47। पॉजिटिव में इतनी होती है, नेगेटिव में इतनी होती है, 21, 47, 48, 36, 48। बच्चों क्लियर? अब इतनी वैल्यू के बाद अपन को ये जो वैल्यू निकाली वो निकली 48, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है 21, 47, 48, 36, 48। अब बच्चों इतनी तो आ गई, ये जाने के बाद ये इधर जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट होगी नेगेटिव के अंदर। बच्चों क्लियर? तो ये दो चीज तो आपकी बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब क्वेश्चन है इसको शिफ्ट करना है बच्चों, क्लियर? अब कितनी बार शिफ्ट करना है, 31 बार। बच्चों क्लियर? अब क्या शिफ्ट करना है, 31 बार, जो ये बना है इसको 31 बार शिफ्ट करना है। तो 31 बार शिफ्ट करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा, बाकी आगे सारे के सारे 31 0 हो जाएंगे। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो एक्स में डाली इसने, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये और 1। बच्चों क्लियर? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या है बच्चों, ये अनसाइंड शिफ्ट है। बच्चों क्लियर? अगर कोई ये पूछे कि गुरुजी ये क्या है, तो ये अनसाइंड शिफ्ट है, अनसाइंड शिफ्ट है, अनसाइंड शिफ्ट है। मतलब समझ में आ गया होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब नेगेटिव भी है तो उसको नेगेटिव अगर वैल्यू है तो पहले उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लो और फिर उसको शिफ्ट करो। बच्चों क्लियर? अगर मेरे को एक्सा दे रखा है तो मैंने पूरा लिख दिया, अब एक्सा को मैंने शिफ्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो यही आएगा। बच्चों क्लियर? लेकिन ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि मान लो कोई ये कह दे -8 है। बच्चों क्लियर? -8 है, और इसको आपको क्या करना है, 3 बार शिफ्ट करना है इधर। बच्चों क्लियर? तो सबसे पहले आपको अनसाइंड है, अनसाइंड शिफ्ट करना है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये -8 है, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखना है, और 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख के फिर आपको चेंज करना है। क्लियर? मैं एक एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा देता हूँ, समझना। क्लियर है यहां तक? सर हेक्सा में आउटपुट प्रिंट कैसे होगा? हेक्सा में कहाँ आउटपुट है बताइए, हेक्सा में कहाँ आउटपुट है बताइए। क्लियर? कोई जरूरत ही नहीं है हेक्सा में आउटपुट, है ना? ये पर कैसे प्रिंट होगा, इंटीजर इंटीजर है तो ये इंटीजर ही प्रिंट होगा, बच्चों एक्स इंटीजर है तो एक्स इंटीजर ही प्रिंट होगा, हेक्सा में आउटपुट है, किस तरीके से निकालोगे यहाँ पर कुछ नहीं। क्लियर है? एक्सा में नहीं आएगा ना, इंटीजर में आएगा, इंटीजर टाइप है, पूरा इंटीजर टाइप है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। अगर मान लो, चलो आगे देखेंगे उसको शिफ्ट को, कोई आने दो क्वेश्चन। क्लियर? अभी थोड़े लेट हो रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये x 100 है, तो ये x आपका 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये डबल है बिल्कुल, y कितना 100.1 है, ठीक है। अब बुलियन, अब एक बार बताइए बुलियन बी, बी के अंदर बुलियन वैल्यू आएगी, ये एक्स के अंदर वाई जा रहा है, बिल्कुल एक्स के अंदर वाई जा सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। एक्स तो आपका इंटीजर है, उसमें डबल जा सकता है, नहीं, एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आ जाएगी, कंपाइलेशन फेल। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि पहले ही आपकी ये वैल्यू जाएगी फिर ये जाएगी, तो ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो बच्चों आपने इसको टाइप कास्ट नहीं किया, तो डबल इसमें नहीं जा सकती, किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। बच्चों क्लियर? डालोगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आइए क्वेश्चन क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब बच्चों ये क्या कह रहा है, ये आपका कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर आ गया, ठीक है, x 20 है बच्चों, ये सुपर वैल्यू डालनी है, सुपर एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग आएगी। अब बच्चों ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो बच्चों आप सबको पता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट नेस्टेड है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है। बच्चों क्लियर? और ये कंडीशनल स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट को देखो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, कंडीशन फॉल्स है। बच्चों क्लियर? तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक ये और एक ये पूरा। अब बच्चों कंडीशन फॉल्स है तो बच्चों ये पार्ट रिटर्न नहीं होगा, ये पार्ट रिटर्न होगा। अब यहाँ ये एक्स कितना है, तो एक्स आपका 20, अब कंडीशन ट्री हो गई, ट्री हो गई तो बच्चों ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, टी नहीं जाएगा। अब टी नहीं कहाँ जाएगा, सुपर के अंदर, तो ये टी नहीं चला जाएगा। बच्चों क्लियर? तो आउटपुट क्या आ जाएगा, टी नहीं आ जाएगा, सुपर के अंदर टी नहीं आउटपुट, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है इक्वेशन। बच्चों एक्स के अंदर 0 आ गया, ठीक है, एक्स के अंदर 0 आ गया, वाई के अंदर 0 आ गया, ठीक है, जेड जेड के अंदर भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, जेड लेस देन 5 है, बिल्कुल ट्रू है, अंदर आ जाइए। बच्चों क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, यहां से यहां तक आपका एक्स वाई जेड काम करेगा, ठीक है, सब अंदर ही है। अब बच्चों प्लस प्लस एक्स करेंगे, प्लस प्लस एक्स में 1 आ गया,
वन इज ग्रेटर देन टू है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो यहाँ नहीं जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो फिर वापस आ जाएगा। जेड प्लस प्लस कितना हो गया? वन आ गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो यहाँ पर आ जाइए। क्या प्लस प्लस वन कितना हो गया? टू हो गया। बच्चों क्लियर? क्या टू इज ग्रेटर देन टू है क्या? फॉल्स है। फॉल्स है तो बच्चों यहाँ जाएगा ही नहीं, बच्चों ये वापस यहाँ आएगा और यहाँ चला जाएगा। जेड प्लस प्लस बच्चों कितना हो गया? टू हो गया। ठीक है, कंडीशन वापस ट्री हो गई। इस बार कंडीशन पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये थ्री होगा, थ्री होगा तो बच्चों अब की बार ट्री हो गया। अब ट्री हो गया तो एंड इधर भी जाएगा। प्लस प्लस वाई बच्चों कितना हो गया? वन हो गया। बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। वन इज ग्रेटर देन टू है, फॉल्स है। फॉल्स है तो बच्चों बाहर आएगा फिर यहाँ जाएगा। जेड प्लस प्लस कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। बच्चों क्लियर? थ्री इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। थ्री इज लेस देन फाइव है, बिल्कुल है। अब ये कितना? फोर हो जाएगा। फोर होगा, फोर होगा तो ये भी ट्री होगा। बच्चों क्लियर? ट्री एंड। बच्चों प्लस प्लस वाई कितना होगा? तो प्लस प्लस वाई पहले टू होगा। टू इज ग्रेटर देन टू है क्या? तो कंडीशन क्या हो गई बच्चों? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो बाहर आ गया। बाहर आ गया जेड प्लस प्लस, बच्चों कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। बच्चों कंडीशन ट्रू है क्या? बिल्कुल है, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आएगा। बच्चों प्लस प्लस एक्स, बच्चों प्लस प्लस एक्स कितना? फाइव हो जाएगा। बच्चों क्लियर? यहाँ से कंडीशन क्या बनी? ट्रू। ट्रू एंड। बच्चों क्लियर? प्लस प्लस वाई यहाँ पर कितना? प्लस, सॉरी, प्लस प्लस वाई यहाँ पर कितना? थ्री हो जाएगा। बच्चों क्लियर? थ्री हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आइए, थ्री हो जाएगा। फिर ये कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या हुई? तो शायद ये फोर था क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, अब बोलो प्लस प्लस वाई, ये कंडीशन भी ट्रू है। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर ट्रू बन गया था, यहाँ पर ट्रू एंड यहाँ पर भी क्या बन गया? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू अंदर आ गया। एक्स प्लस प्लस कितना हो गया? सिक्स हो गया। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? अब चलिए, ये यहाँ पर गया। जेड प्लस प्लस कितना हो गया? तो जेड प्लस प्लस शायद फोर हो गया था बच्चों, अब फाइव हो गया। ठीक है, अब फाइव हो गया तो फाइव इज लेस देन फाइव, फॉल्स है। फॉल्स है बच्चों क्लियर? फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा। और एक्स प्रिंट होगा कितना? सिक्स। और वाई प्रिंट होगा कितना? थ्री। तो सिक्स एंड थ्री। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपका दिमाग चल रहा है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं फिर मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए अपन। बच्चों यहाँ पर एक्स कितना है? एक्स यहाँ पर जीरो है। वाई कितना है? यहाँ पर जीरो है। बच्चों जेड कितना है? यहाँ पर जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेड इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, प्लस प्लस एक्स कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या ये ट्रू है? तो ये फॉल्स है। बच्चों क्लियर? अब ये फॉल्स है, यहाँ पर जाएगा क्या? जाएगा। प्लस प्लस वाई कितना हो जाएगा? प्लस प्लस वाई वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स डिसाइड थोड़ी करेगा, यहाँ पर भी जाएगा। क्या वन इज ग्रेटर देन टू है क्या? ये भी फॉल्स है। फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स है तो यहाँ बाहर आ गया। फिर ये यहाँ पर गया। जेड प्लस प्लस कितना हो गया? वन हो गया। ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्री हो गई। ठीक है, प्लस प्लस एक्स प्ले ये टू हो गया। ठीक है, अब टू हो गया तो टू इज ग्रेटर देन टू है क्या? फॉल्स है। बच्चों यहाँ पर भी पहुंचा। वाई प्लस प्लस कितना हो गया? टू हो गया। ठीक है, टू हो गया। क्या टू इज ग्रेटर देन टू है क्या? तो फॉल्स है। अब फॉल्स है तो बच्चों अंदर आ गया। ठीक है, फॉल्स है तो ये बाहर आ गया। ठीक है, या फिर यहां पर गया, वापस यहां पर गया। जेड प्लस प्लस कितना हो गया बच्चों? टू है। क्या टू इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। टू इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। अंदर आ गया तो बच्चों ये कितना हो गया? थ्री हो गया। थ्री हो गया। थ्री इज ग्रेटर देन टू है क्या? बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो अब उधर जाएगा ही नहीं। फिर यह आ गया बच्चों क्लियर, यहाँ आ गया और बाहर निकल, क्लियर है बच्चों? यहाँ आ गया लेकिन इससे बाहर नहीं निकला। जेड प्लस प्लस बच्चों कितना हो गया? थ्री हो गया। अब थ्री इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। प्लस प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों? फोर हो गया। ठीक है, फोर हो गया। अब फोर हो गया, ये वापस ट्री हो गया। ट्री हो गया तो फिर बच्चों अंदर आया। ठीक है, तो यहाँ एक गड़बड़ हो गई। एक्स प्लस प्लस दो बार होगा तो चार की जगह पांच हो गया। ये पांच हो गया और पांच की जगह अब ये छह हो गया। बच्चों क्लियर? पांच की जगह छह हो गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पर गया। बच्चों जेड प्लस प्लस कितना हो गया? तो यहाँ पर फोर हो गया। ठीक है, अब फोर इज लेस देन फाइव है क्या? बिल्कुल है। प्लस प्लस एक्स कितना हो गया? सेवन हो गया। बच्चों क्लियर? सेवन हो गया। फिर प्लस एक्स प्लस प्लस कितना हो गया? एट हो गया। बच्चों क्लियर? और जेड प्लस प्लस बच्चों कितना हो गया? फाइव हो गया। कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इससे बाहर आ गया। एक्स कितना आ गया? एट। और वाई कितना हो गया? टू। एट एंड टू आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्लियर कर लोगे अब तो? ठीक है, अब कोई यूनिक क्वेश्चन है तो वो मैं करवा देता हूँ, इसको देख लीजिए। बाकी आपको पता है ये एंड ऑपरेटर है, बिट वाइज। तो बच्चों वन टू फोर एट आठ दो दस एक ग्यारह। ठीक है,
अच्छा, नौ का मतलब होता है 8 1 9 या 0 0, ठीक है बच्चों। अगर एक्स निकालना है तो एंड का मतलब 1 0 0 1 है, यानी 9 आएगा। एक्स में कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। अब वाई आ जाइए, एक्स कितना है, तो एक्स तो बच्चों अब एक्स जो यहाँ पर बन चुका वो लेना है, 1 0 0 1 हो गया। 3 का मतलब 1 1 हो गया। अब एक्स और करना है तो बच्चों 1 सेम है तो क्या आ जाएगा, सेम है तो 0, न तो 1 0 ये 1, ठीक है। अब बच्चों अपन को क्या करना है, वाई ले आइए, वाई कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब बच्चों वाई को और 12 करना है, तो 1 0 0 1 और 1 1 0 0, तो ये क्या होगा, 1 1 1 0, क्लियर। तो 1 2 4 8, 8 4 12, तो 14, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो सबके समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलिए अब कोई यूनिक क्वेश्चन है तो अपन वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। तो बच्चों पहले एंड को ग्रुप बनेगा, एंड का ग्रुप बनेगा, एंड का ग्रुप बनेगा, और चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं। चलो ये ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स क्या बन गया बच्चों, फॉल्स बन गया। यहाँ पर फॉल्स और ट्रू फॉल्स बन गया, यहाँ पर बच्चों V2 फॉल्स बन गया, सारे फॉल्स है तो यहाँ नहीं जाएगा बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, V1 एंड V2 ये क्या बन गया बच्चों, तो ये आपका क्या बन गया, फॉल्स बन गया, ठीक है। ये भी आपका क्या बन गया, V2 और V3 फॉल्स बन गया। अब ये क्या है, B2 है, B2 आपका फॉल्स है, और B1 आपका क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू है तो डॉकी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर। क्योंकि एंड ऑपरेशन पहले, तो उसका ग्रुप पहले होगा, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और के साथ। तो और में अगर एक भी ट्री होता है, सबको पता है और में एक भी ट्री होता है तो क्या हो जाता है, ट्री हो जाता है, क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, इजी क्वेश्चन है, देखिए एक बार। हाँ जी, यहाँ पर आइए, सबसे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग के साथ सबको पता है ये 7 जुड़ेगा, 7 2 भी जुड़ेगा, 7 2 बच्चों, क्लियर। गैप लग के 7 2 और फिर गैप, तो गैप लग के 7 2 और फिर गैप हो गया बच्चों, क्लियर। ए प्लस बी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फिर गैप लगेगा, ठीक है, फिर ए फिर 7 2 और गैप, फिर 7 2 और गैप बच्चों, क्लियर। फिर यहाँ पर फू नाम का एक मेथड कॉल हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो फू नाम का मेथड कॉल हुआ वो ये रहा बच्चों, क्लियर, इसको कॉल कर लिया, ठीक है। ये रिटर्न फू करेगा तो फू यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग आएगी, और फिर स्ट्रिंग के साथ जब ये स्ट्रिंग जुड़ेगी तो फू आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 7 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। और फिर गैप लग जाएगा, फिर सॉरी 7 2 नहीं, ये तो हो गया 7 2, ये हो गया 7, और ये हो गया स्ट्रिंग के साथ है तो 3 4, ठीक है, ये हो गया 7 2, ठीक है। देखिए ये हो गया 7 2, ठीक है, फिर ये हो गया 7, ठीक है, फिर ये स्ट्रिंग के साथ, ये गड़बड़ कर दी, क्लियर। ये स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग के साथ, तो ये क्या बनेगा, 3 और 4, स्ट्रिंग के साथ 3 और 4, ठीक है, 3 4, फिर गैप लग गया, ठीक है। फिर बच्चों ये फू, फू का मतलब ये आ जाएगा फू, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ेगा, 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, और फिर गैप लग जाएगा, ठीक है। फिर अब की बार ये 7 जुड़ जाएगा, 7 और फू के साथ फू आ जाएगा बच्चों, क्लियर। तो बताइए, 7 2 7 3 4, फू 3 4 7, फू, क्लियर, ठीक है। ये प्रिंटिंग फॉर्मेट भी बहुत आ रहा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए, ठीक है। ये क्वेश्चन अब कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। करते हैं या बाद में ले शाम को, चलो अब जो क्वेश्चन बच्चे वो शाम को ले लेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी। अब शाम को लेते हैं 5 बजे, है ना बच्चों। तो 5 बजे 7 8 क्वेश्चन तो ये बाकी है आपके, कहाँ से बाकी है, यहाँ से, इनको ले लेंगे। और एक गार्बेज कलेक्शन का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा आज, गार्बेज कलेक्शन और बच्चों उप्स के कंसेप्ट, ये दोनों कवर करा देंगे, ठीक है। ठीक, और चेक कर लिया करो, इनको देख लिया करो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। थ्योरी पढ़ो, जो 600 क्वेश्चन मैंने बनाए जावा के, उनको जरूर देखिए, प्रोग्राम सारे मैं आपको समझा रहा हूँ। धन्यवाद।